हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो क्लास में। आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कशन करेंगे डीटीएस नंबर 15 के अबाउट, जिसमें जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है वो है प्लांट फिजियो का सेकंड पार्ट। बच्चों, प्लांट फिजियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने कंसीडर किया है मिनरल न्यूट्रिशन, इसके अलावा रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स। इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो हमने इसके अंदर पुटअप किए हैं। चलिए तो बात अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, हाँ जी, तो देखें बच्चों, रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स। देखें बच्चों, रेस्पिरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उसका फॉर्मेशन भी करता है, उसका निर्माण भी करता है। तो कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से इन्वॉल्व है, आइए देखते हैं। नंबर 1 बच्चों, यहां पर है एनर्जी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट अपन कह सकते हैं, रेस्पिरेशन जो है उससे एनर्जी बनती है और उस एनर्जी से जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक सबस्टांस है उनका फॉर्मेशन होता है। बायोकेमिकल इंटरमीडिएट्स, बिल्कुल रेस्पिरेशन के अंदर कुछ ऐसे इंटरमीडिएट बनते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेब्स साइकिल में जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है, याद करो बच्चों, वो ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से बहुत सारे इंटरमीडिएट है जो किसी न किसी, अपन कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हेक्सो सुगर, नो बच्चों, हेक्सो सुगर का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता रेस्पिरेशन के अंदर। तो हेक्सो सुगर मतलब 6 कार्बन सुगर, मतलब ग्लूकोज, मतलब फ्रक्टोज, इन सब का ब्रेकडाउन होता है। मतलब रेस्पिरेशन के अंदर हेक्सो सुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसका तो ब्रेकडाउन होता है, वो तो टूटता है, न कि उसका सिंथेसिस होता है। तो बच्चों आंसर यहां पे कौन सा हो गया? 4th ऑप्शन हो गया। चलिए आगे देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पर जो है वो बच्चों सेकेंड है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर। वाटर का जो फोटोलाइसिस है इसके लिए अपने को करेक्ट मैचिंग यहां पर देखनी है। ये बच्चों कुछ यहां पर एलिमेंट्स है, तो याद रखना, वाटर का जो फोटोलाइसिस है उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं? मैग्नीज है एंड क्लोरीन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो देखो बच्चों, यहां पे मैग्नीज अपने को दे रखा है, तो वाटर का जो फोटोलाइसिस है उसके लिए मैग्नीज का रिक्वायरमेंट है। डाईएजोट्रोपी, डाईएजोट्रोपी का मतलब है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, एंड नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए मोलिब्डेनम की एसेंशियलिटी होती है, मोलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट होती है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, बच्चों साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है उसमें कॉपर सेंटर होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब ऑक्सिन। बच्चों याद रखना, ऑक्सिन जो है, इस ऑक्सिन के सिंथेसिस के लिए अपने को रिक्वायरमेंट किसकी होती है? जिंक की होती है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं Ma3, जो बी है उस बी के अंदर बच्चों क्या आ गया? मोलिब्डेनम आ गया, बिल्कुल। सी जो है इसमें क्या आ गया बच्चों? सी के अंदर अपने पास में आ गया 2, और जो डी है उसमें आ गया 1। तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये यहां पे कंडीशन है। आगे देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट बच्चों यहां पे है पास्चर इफेक्ट इज कंसिडर्ड विद द शिफ्टिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंट की कंडीशन कौन सी होती है कि पास्चर इफेक्ट क्रिएट होता है? मैं बताता हूँ आपको बड़े सही तरीके से। जैसे मान लो बच्चों, सेल जो है उस सेल के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो नहीं होगा, न के बराबर होगा, वो होगा ही नहीं, आप ये मान के चलो। तो अगर आप ऑक्सीजन जो है इसको इंक्रीज करते हो, तो ऑक्सीजन को इंक्रीज करने पर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो तो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बच्चों धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये पास्चर इफेक्ट है। ऑक्सीजन को इंक्रीज करने पर
ऑक्सीजन को इंक्रीज करने पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन का कम होना, एरोबिक रेस्पिरेशन का ज्यादा होना, ये पास्चर इफेक्ट है। मतलब एनएरोबिक से एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो बच्चों आंसर यहां पे हो गया आपका एनएरोबिक टू एरोबिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बच्चों क्वेश्चन यहां पे है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ऑफ क्लोरोसिस इन लीव्स ए स्टूडेंट इनफेरड दैट दिस वॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। दिस इन्फेरेंस कुड बी करेक्ट ओनली इफ येलोइंग ऑफ लीव्स अपीयर्ड फर्स्ट इन। एक छात्र ने पौधे की पत्तियों में क्लोरोसिस लक्षण देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह नाइट्रोजन अभाव के कारण है। यह निष्कर्ष तभी सत्य हो सकता है जब पत्तियों का पीलापन सबसे पहले दिखाई देगा। देखो बच्चों, नाइट्रोजन जो होता है, बताना चाहूंगा मैं आपको, ये एक मोबाइल एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज ए मोबाइल एलिमेंट। ये बच्चों गतिशील तत्व है। मोबाइल एलिमेंट कौन सा होता है? जो प्लांट के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सके, वो मोबाइल एलिमेंट है। जैसे यू, ये बच्चों यहां पर एक लीफ है, ये मान लो बच्चों यहां पे दूसरी लीफ है। सपोज दिस इज ओल्ड लीफ एंड दिस इज न्यू लीफ। ये यहां पे ओल्ड लीफ है और ये बच्चों यहां पर क्या है, अपन कह सकते हैं न्यू लीफ है। तो जैसे ही प्लांट की ओल्ड लीफ गिरने वाली होती है, जैसे ही प्लांट की ओल्ड लीफ गिरने वाली होती है, प्लांट इस नाइट्रोजन को वापस एब्जॉर्ब करके वहां पे शिफ्ट कर देता है जहां पे नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन कहां से कहां चला गया? ओल्ड पार्ट से न्यू पार्ट की तरफ नाइट्रोजन चला गया। इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है? एक मोबाइल एलिमेंट है, एक गतिशील एलिमेंट है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो देखो बच्चों, ओल्ड लीफ का जो नाइट्रोजन है वो चला गया किसके पास में? न्यू लीफ के पास में। तो न्यू लीफ के पास तो नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन की जो कमी है वो किसके पास में हो गई? ओल्ड लीफ के पास में हो गई। और जैसे ही सोइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो सबसे पहले जो बच्चों सिम्टम्स है वो ओल्ड लीफ में आते हैं, क्योंकि ओल्ड लीफ ने अपना नाइट्रोजन पहले ही उसको शिफ्ट कर दिया था। तो अब ये नाइट्रोजन सोइल से लेगी और सोइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो बच्चों इसमें सिम्टम्स तो जनरेट होंगे ही होंगे। तो आंसर यहां पे हो गया यंग लीव्स नो, ओल्ड लीफ यस, यंग लीव्स नो, ओल्ड लीव्स फॉलोड बाय यंग लीफ नो। याद रखना बच्चों, अगर मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो ओल्ड पार्ट में आते हैं, क्योंकि जो न्यू पार्ट है उनके पास तो वो एलिमेंट पहले से पहुंच जाते हैं, तो सिम्टम्स नहीं आते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहां पर है, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। देखिए अगर बच्चों मैं ग्लूकोज की बात करूं, तो ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन में ग्लूकोज नहीं है बल्कि फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट है। याद रखना बच्चों, ग्लूकोज से पहले बनता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बनता है, तो बच्चों याद करो यहां पे दो एटीपी जो है वो कंज्यूम होते हैं। दो बच्चों एटीपी क्या होते हैं? कंज्यूम होते हैं। और जब दो एटीपी कंज्यूम होते हैं तब 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बच्चों आपको तो शुरुआत ही फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से करनी है, तो दो एटीपी का लॉस होने के बाद 38 बचा करते हैं। आपकी बार आपको दो एटीपी के लॉस को कंसीडर नहीं करना है, बल्कि आपको शुरुआत ही फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से करती है। तो जब दो का लॉस होता है तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब जब आपको लॉस काउंट ही नहीं करना तो बच्चों कितने हो जाएंगे? 40 एटीपी हो जाएंगे। आंसर यहां पे आ गया फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बच्चों अपन देखते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम आर विजिबल फर्स्ट इन। जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी होने पर सबसे पहले जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो कहां प्रकट होते हैं? जैसे ये बच्चों अपने पास एक लीफ, सपोज ये ओल्ड लीफ है,
एंड ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये बच्चों है न्यू लीफ। तो कैल्शियम जो होता है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, मतलब वो इमोबाइल है, वो प्लांट के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में नहीं जाता। तो जो ओल्ड ऑर्गन होगा उसके पास तो बच्चों कैल्शियम पहले से होगा, और वो न्यू लीफ के पास में ओल्ड लीफ से ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर मान लो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, तो बच्चों कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से ओल्ड लीफ के पास तो कैल्शियम पहले से ही है, लेकिन जो न्यू लीफ है उसके पास कैल्शियम नहीं पहुंचेगा। तो जो बच्चों न्यू ऑर्गन होते हैं उनमें सबसे पहले सिम्टम्स क्रिएट होंगे। तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया आपका सेनेसेंट लीव्स, यंग लीव्स, रूट्स या बड। तो आंसर बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, यंग लीफ इसका आंसर आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। कौन सा एक कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के सक्रियण के लिए आवश्यक तत्व है। देखिए बच्चों राइबोसोम के सक्रियण का मतलब क्या है, राइबोसोम के एक्टिवेशन का मतलब क्या है। जैसे ये अपने पास में इस तरीके से राइबोसोम है, इस राइबोसोम के अंदर ये बच्चों है लार्ज सब यूनिट और ये है स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट जब अटैच हो जाती है तो हम कह देते हैं राइबोसोम एक्टिव हो गया, समझ रहे हो। और इनके अटैचमेंट के लिए बच्चों रिक्वायरमेंट किसकी होती है, मैग्नीशियम की होती है। तो मैग्नीशियम के कारण राइबोसोम की दोनों सब यूनिट आपस में अटैच होती है, मतलब राइबोसोम एक्टिव हो जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट बच्चों यहां पे है, ए स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड विच एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर। बच्चों ईटीएस जो है उस ईटीएस में आप कह सकते हैं 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ETS के अंदर 5 कॉम्प्लेक्स हुआ करते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है इसमें होता है साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में अगर आप कंडीशन देखें होता है साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, बल्कि वो तीसरे और चौथे कॉम्प्लेक्स के बीच में आता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स और इसका फंक्शन है थर्ड कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को लेना और फोर्थ कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना। तो बच्चों साइटोक्रोम सी जो है वो अपन कह सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में आता है, आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ मेटाबॉलिक ऑक्सीजन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेस्पिरोमीटर ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन प्रोसेस देन आरक्यू वैल्यू विल बी। अगर आप यहां पे कंडीशन देखें तो अपन कह सकते हैं आरक्यू का जो फॉर्मूला है वो बच्चों अपने पास में क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज्ड CO2 एंड रेस्पिरेशन के अंदर कंज्यूम O2। कोई भी जो प्लांट है, कोई भी जो सेल है, वो सेल रेस्पिरेशन के अंदर जितनी CO2 बाहर निकालती है और बाहर से जितनी O2 लेती है उनका रेशियो जो होता है वो बच्चों RQ है। अगर रेस्पिरेशन के अंदर आप कंडीशन देखें मेटाबॉलिक ऑक्सीजन जो है उसका यूज हो रहा है, मतलब प्लांट जो है वो खुद ही मेटाबॉलिक रिएक्शन से O2 बनाता है और उसको यूज में ले लेता है, वो बाहर से O2 लेता ही नहीं है। तो बच्चों बाहर से लेने वाली O2 अगर 0 हो गई तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी डिजिट में अगर आप 0 का डिवाइडेशन करो तो बच्चों यहाँ पे आंसर कितना आता है, इन्फिनिट आता है। तो आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन कि अगर रेस्पिरेशन के अंदर मेटाबॉलिक ऑक्सीजन जो है वो ही यूज में आ जाए, बाहर से O2 ले ही नहीं, तो बाहर से अगर बच्चों O2 नहीं ले तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, इन्फिनिट आ गया। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, NAD, NADH एंड NADPR ये जो है वो क्या होते हैं, नोट ए पार्टिसिपेंट इन एनी कैटालाइटिक रिएक्शन किसी भी उत्प्रेरकीय अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये बच्चों गलत है, अपन कह सकते हैं कि जो NAD है या फिर जो NADH है या फिर जो NADP है ये सब बच्चों क्या करते हैं,
ये सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, एनएडी से एनएडीएच2 बनता है, एनएडीएच से एनएडीएच2 बनता है, एनएडीपी से एनएडीपीएच2 बनता है। तो ये सब जो है अपन कह सकते हैं रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं या फिर जो फोटोसिंथेसिस है उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बच्चों कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें एंजाइम हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो बच्चों एनएडी है, वो एनएडी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा और एनएडीएच2 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अपन कह सकते हैं ये जो होते हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हुआ करती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात, एंजाइमेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो बच्चों एंजाइम के साथ में अटैच होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। सेकंड है पार्टिसिपेंट एज कोफैक्टर इन नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। नहीं बच्चों, रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटालिटिक रिएक्शन होती है जिसमें इससे पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे बच्चों, कैटालिटिक का मतलब क्या है, सबस्टांस का ब्रेकडाउन होना। जब सबस्टांस टूटता है तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है और सबस्टांस के टूटने से जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उस हाइड्रोजन को ये सबस्टांस कैच कर लेते हैं और NADH2 या NADPH2 में बदल जाते हैं। तो कैटालिटिक तक होना जरूरी है। करेक्ट आंसर बच्चों थर्ड ऑप्शन है, पार्टिसिपेंट एज कोफैक्टर इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम भी आना जरूरी है और कैटालाइज्ड भी आना जरूरी है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉर्म्ड थ्रू फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जब फॉस्फोरिलीकरण होता है, जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो किसका निर्माण होता है बच्चों, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट का अटैच होना, फॉस्फेट का जुड़ना। तो देखते हैं 1,3-bifosphoglyceric acid, बिल्कुल सही बात है बच्चों। पहले यहाँ पे होता है 3-phosphoglyceric acid, जब एक फॉस्फेट और आता है तो क्या बन जाता है, 1,3-phosphodiglyceric acid। एक बच्चों यहाँ पे है फ्रक्टोज 1,6-diphosphate, बिल्कुल सही है। पहले बच्चों फ्रक्टोज 6-phosphate था, लेकिन जब एक ATP से फॉस्फेट आता है तो फ्रक्टोज 6-phosphate से बन जाता है फ्रक्टोज 1,6-diphosphate। ये भी करेक्ट है, आंसर हो गया, बोथ आर करेक्ट, GAP, ग्वानोसिन एडिनिन फॉस्फेट। नहीं बच्चों, इसका ग्लाइकोलाइसिस से कोई संबंध नहीं है, आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। YVA और AYVA श्वसन में निकलने वाली CO2 का अनुपात क्या है। तो बच्चों YVA श्वसन जो है, अगर आप कंडीशन देखें तो अपन कह सकते हैं जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 इजिकल टू, आप यहां कह सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो देखो बच्चों अपन कह सकते हैं 6CO2 निकलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनएरोबिक के अंदर क्या होगा, C6H12O6 बच्चों फॉर्मेशन यहाँ पे होगा 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस, बच्चों आप यहाँ कह सकते हैं 2 ATP जो है उसका फॉर्मेशन होगा अप्रोक्सीमेट 49 किलो कैलोरी का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे 38 ATP जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो देखो बच्चों यहाँ तो 2 CO2 निकलती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलती है 6 CO2, तो यहाँ पे आ गया 6:2 मतलब 3:1, आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो गया। आगे देखिए इसके बाद में, इन विच स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन डीकार्बोक्सिलेशन इज टेक प्लेस। श्वसन के कौन से पद में विकार्बोक्सिलीकरण होता है बच्चों, श्वसन के 4 पद है, ग्लाइकोलाइसिस जिसमें CO2 बाहर नहीं निकलती, लिंक रिएक्शन जिसमें CO2 बाहर निकलती है, क्रेप साइकिल जिसमें CO2 बाहर निकलती है और ETS जिसमें CO2 बाहर नहीं निकलती। तो CO2 का बाहर निकलना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। ये बच्चों अगर आप कंडीशन देखें, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नहीं होता, ETS में नहीं होता, क्रेप साइकिल में होता है। तो आंसर बच्चों यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। आगे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी प्रोटॉन्स रेस्पॉन्सिबल। हाउ मेनी प्रोटॉन्स रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। जैसे
जब ETS होता है तो बच्चों याद करो, ETS के अंदर इधर क्या होता है, मैट्रिक्स, ये है इनर मेम्ब्रेन जहां पे क्या चलता है बच्चों, ETS चलता है, और ये बच्चों यहां पर है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो हम लोग कहते हैं कि मैट्रिक्स के थ्रू बच्चों यहां पे क्या आते हैं, दो प्रोटोन आते हैं, और वो दो प्रोटोन जो है अपन कह सकते हैं एफ नोट एफ वन पार्टिकल के थ्रू जब वापस मैट्रिक्स में आते हैं तब यहां पे बच्चों फॉर्मेशन किसका होता है, एटीपी का होता है। तो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए कितने प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए होते हैं, टू प्रोटोन चाहिए होते हैं। तो बच्चों आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। जी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज फर्स्ट इन फर्मेंटेशन ऑफ पाइरुविक एसिड टू इथेनॉल। देखिए अगर बच्चों अपने को जो पाइरुविक एसिड है उससे इथेनॉल का फॉर्मेशन करना है तो पाइरुविक एसिड से पहले बच्चों फॉर्मेशन किसका होगा, एसीटाइल्डिहाइड का, और बाद में जो एसीटाइल्डिहाइड होता है उससे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, C2H5OH मतलब इथेनॉल का। तो जरा देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज फर्स्ट इन फर्मेंटेशन, जब पाइरुविक एसिड से बच्चों यहां पर एसीटाइल्डिहाइड बनता है, C3COH बनता है, तो इस टाइम बच्चों हम कह सकते हैं CO2 बाहर निकलती है, और बच्चों यहां पे आप कह सकते हैं कि मतलब जो NADH2 है उसका ब्रेकडाउन होता है जिससे NAD बनता है प्लस H2 बनता है, और बच्चों वो H2 जो है इसके अंदर एंटर होता है। तो देखो बच्चों यहां पर जो पाइरुविक एसिड से एथेनॉल बना है उसकी फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये उसकी फर्स्ट स्टेप है, इसमें CO2 रिलीज होता है, मतलब क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है। हाँ अगर आपको बच्चों सेकंड स्टेप के बारे में पूछता तो आप क्या बताते, NADH2 में से हाइड्रोजन निकलता है मतलब डिहाइड्रोजनेशन होता है, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बारे में पूछा है तो बच्चों आंसर यहाँ पे होगा डिकार्बोक्सिलेशन। आगे देखिए नेक्स्ट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर लेस इंपॉर्टेंट देन मैक्रोन्यूट्रिएंट एज इंपॉर्टेंट एज मैक्रोन्यूट्रिएंट having minor role in plant nutrition omitted from culture medium without detrimental effect। देखो बच्चों चाहे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो दोनों ही एसेंशियल एलिमेंट है। माइक्रो एलिमेंट जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन प्लांट में कम होती है, मैक्रो एलिमेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन प्लांट में ज्यादा होती है, लेकिन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, दोनों का ही इक्वल रोल है। जितना इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट है। हाँ माइक्रो एंड मैक्रो ये जो नाम दिए हुए हैं वो इनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे नहीं है बल्कि इनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पर है। तो बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये होते हैं एस इंपॉर्टेंट एस मैक्रो न्यूट्रिएंट। दीर्घ पोषक जो होते हैं बच्चों उनके समान ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, न कि उनसे कम महत्वपूर्ण है, न कि गौण भूमिका रखते हैं, न कि इनके बिना संवर्धन माध्यम हो सकता है। तो आंसर बच्चों यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिकेइंग ऑफ डेड बायोमास, जो डेड बायोमास है जो मृत जैव भार है उसका क्षीण हो जाना क्या कहलाता है। जैसे मान लो बच्चों कोई भी मृत जीव है, कोई मरा हुआ जीव है, उसे हम लोग बोलते हैं डेड बायोमास। मरा हुआ जीव जो है उसका अपघटन होता है, और जब डेड बॉडी का मृत जीव का अपघटन होगा, या मैं कह सकता हूं बच्चों जब इसका डीकंपोजिशन होगा, जब इसका अपघटन होगा तो बच्चों फॉर्मेशन किसका होता है, अमोनिया का, और अमोनिया का फॉर्मेशन होना दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो मैं कह सकता हूं डिकेइंग ऑफ डेड बायोमास, मृत जैव भार जो है उसका सड़ना, मतलब उसका अपघटन होना क्या कहलाता है, क्योंकि बच्चों इससे अमोनिया बनेगी तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अमोनिफिकेशन कह सकते हैं। आगे देखिए मिनरल साल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू सैपवुड टू हार्टवुड, हार्टवुड टू सैपवुड, हार्टवुड टू हार्टवुड या सैपवुड टू सैपवुड। देखो बच्चों वुड जहां पे आता है उसका मतलब क्या होता है, जाइलम। वुड का मतलब क्या है, जाइलम।
बच्चों एक तो होता है हार्टवुड। हार्टवुड वो जाइलम है जिसके अंदर की जो कैविटी है वो ब्लॉक हो जाती है। तो हार्टवुड के अंदर की कैविटी ब्लॉक हो जाती है जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन कर ही नहीं सकता। सैपवुड जो है उसमें जाइलम के अंदर की कैविटी ब्लॉक नहीं होती है, उसमें से बच्चों ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो याद रखना, कोई भी जो प्लांट है उसमें जाइलम ट्रांसपोर्टेशन जो करता है वो सैपवुड से सैपवुड करता है, मतलब उस जाइलम से उस जाइलम में करता है जिनमें दोनों में ब्लॉकेज नहीं होता, खाली स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो बच्चों यहां पर ये जाइलम है इस तरीके से, ये बच्चों यहां पर इस तरीके से जाइलम है, ये बच्चों बीच में जो आप देख रहे हो ना ये हार्टवुड है, ये ब्लॉक होती है। तो हार्टवुड से हार्टवुड में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। ये देखो बच्चों यहां पे ब्लॉक नहीं है, ये यहां पे कैविटी है, खाली स्थान है, इसको बोलते हैं सैपवुड। एक सैपवुड से दूसरे सैपवुड में जाइलम बच्चों क्या करता है, परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। आगे देखिए, तो आंसर हो गया सैपवुड टू सैपवुड। फिर है सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फ्यूमरिक एसिड इन क्रेब साइकिल बाई, देखो बच्चों जो सक्सिनेट होता है, जो सक्सिनिक एसिड होता है, ये सक्सिनिक एसिड बदल जाता है आप कह सकते हैं फ्यूमरिक एसिड के अंदर। इस दौरान हाइड्रोजन बाहर निकलता है जिसके साथ में एफएडी रिएक्शन कर लेता है और FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो देखो बच्चों जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बच्चों यहां पे आंसर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग 24 आवर्स देयर इज ए टाइम व्हेन प्लांट्स नाइदर गिव ऑक्सीजन नोर CO2, दिस इज द टाइम ऑफ। ओके देखें बच्चों, एक होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट O2 को लेता है और CO2 को रिलीज करता है। एक बच्चों होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है इस फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, प्लांट इस CO2 को लेता है और O2 को छोड़ देता है, समझ रहे बात को। जनरली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से होता है, तो फिर रेस्पिरेशन से आने वाली CO2 और जो एनवायरमेंट की CO2 है वो प्लांट लेता रहता है, और फोटोसिंथेसिस से जो O2 बनती है वो कुछ O2 तो रेस्पिरेशन में काम आती है और बच्चों बाकी की O2 एनवायरमेंट में निकल जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चों ट्वीलाइट जैसे रेस्पिरेशन तो फिक्स होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चों सुबह के समय या फिर आप कह सकते हो मेनली शाम को जब प्रकाश की तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो फोटोसिंथेसिस कम होता होता एक समय ऐसा आता है जब रेस्पिरेशन के बराबर हो जाता है, और जब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बराबर हो जाता है तो प्लांट बाहर से गैस एक्सचेंज नहीं करता, बल्कि इनके अंदर से ही जो गैस निकलती है वो एक दूसरे यूज कर लेते हैं। हाँ, फिर जब बच्चों धीरे धीरे अंधेरा होता है तो फोटोसिंथेसिस और कम हो जाता है और लास्ट में बंद हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि शाम के समय फोटोसिंथेसिस कम होता होता रेस्पिरेशन के बराबर आ जाता है, तब एक प्लांट बाहर से कोई गैस एक्सचेंज नहीं करता। ये बच्चों कंडीशन कब की है, ये होती है ट्विलाइट, संध्या का प्रकाश। आगे देखें, इन रिलेशन टू वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन क्रेब साइकिल व्हाट NADH2 FADH2 रेशियो बिकम प्रोड्यूस्ड। बच्चों एक ग्लूकोज है तो एक ग्लूकोज में पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, तो दो क्या बन जाएंगे, पाइरुविक एसिड। लिंक रिएक्शन में दो पाइरुविक एसिड से बन जाते हैं दो एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर बच्चों दो एसिटाइल कोएंजाइम ए है तो दो बार ही क्या होगा, आप कह सकते हैं क्रेब साइकिल होगा, दो बार ही क्या होगा, क्रेब साइकिल, ठीक है। अब देखो बच्चों जब एक बार क्रेब साइकिल होता है तो NADH2 जो है वो बनते हैं 3 और FADH2 जो है वो बनता है 1, ठीक है। हालांकि रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट से चले, दो बार क्रेब साइकिल होगा तो NADH2 कितने बन जाएंगे, 6, FADH2 कितने बन जाएंगे, आप कह सकते हैं 2,
तो बच्चों दो बार क्रेब साइकिल होने पर 6:2 मतलब 3:1 तो हम कह सकते हैं NADH2 और जो FADH2 है वो 3:1 के अंदर बनते हैं। समझ गए बात को, ये कंडीशन यहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रोजन इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, नाइट्रोजन घटक है 3 अमीनो एसिड का, ऑल एमिनो एसिड का, मिथियोनिन का या सिस्टीन एंड आप कह सकते हैं सिस्टीन का। देखिए नाइट्रोजन जो होता है उससे फॉर्मेशन किसका होता है, NH2 ग्रुप का, एमिनो ग्रुप का। और ये जो बच्चों आप यहां पे एमिनो ग्रुप देख रहे हो, ये जो आप NH2 ग्रुप देख रहे हो, ये एमिनो ग्रुप हर एमिनो एसिड में होता है। तो अपन कह सकते हैं ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट एमिनो ग्रुप, इट मींस नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो बच्चों सारे एमिनो एसिड के अंदर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन से तो एमिनो ग्रुप बनता है और एमिनो ग्रुप से ही एमिनो एसिड बनता है। आगे देखें, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स विच आर, अनोक्सी श्वसन में दो पद पाए जाते हैं वो कौन सा है। तो अपने को पता है बच्चों एन एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले पाइरुविक एसिड का विघटन, उसका डीकंपोजिशन। तो एक यहां पे है कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है बल्कि इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुविक एसिड। ये बच्चों बिल्कुल यहां पे करेक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं। बच्चों कंप्लीट ब्रेकडाउन तो एरोबिक में होता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड नो। तो अपन यहां कह सकते हैं जो पाइरुविक एसिड है उसका बच्चों ब्रेकडाउन होगा, और आप कह सकते हैं वो कैसा होगा, वो बच्चों यहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये होगा ग्लाइकोलाइसिस एंड इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुविक एसिड। इनकंप्लीट क्यों, क्योंकि बच्चों पाइरुविक एसिड के अंदर होते हैं 3 कार्बन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो जो 3 कार्बन है वो सारे के सारे 3 कार्बन एनवायरमेंट में CO2 के रूप में नहीं निकल पाते, तो अपन कह सकते हैं ये हो गया इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। चलिए आगे देखें, तो बच्चों आंसर यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। पेपर बच्चों मैंने पूरा NCERT बेस्ड दिया है क्योंकि वो ही आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व्ड इन टू स्टेप कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्रेट का फॉर्मेशन करना है। देखिए बच्चों पहले यहां पे अमोनिया जो है उससे बनता है NO2- नाइट्राइट, फिर जो नाइट्राइट है उससे क्या बनता है नाइट्रेट। यहां पे जो बैक्टीरिया है वो बच्चों एक तो होगा नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, ये बच्चों यहां पे होगा नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। तो देख लीजिए कि यहां पर जो दोनों स्टेप में कौन से हैं, एजोटोबैक्टर नहीं हो सकता, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर बिल्कुल सही है, एजोटोबैक्टर नो, स्यूडोमोनास नाइट्रोबैक्टर नो। तो बच्चों आंसर यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन हो गया। आगे चले, नेक्स्ट है, ए वॉटर फर्न विच इज ऑफन इनकोल्यूटेड और टू राइस फील्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, मार्सिलिया, एजोला, एंथोसिरोसिया, साइकस। आंसर बच्चों यहां पे एजोला है, क्योंकि जो एजोला होता है ये बच्चों एक फर्न है जो टेरिडोफाइटा है उसकी टेरिडोप्सिडा क्लास में आता है, और ये जो यहां पर एजोला है इसका पूरा नाम है एजोला पिन्नाटा, इसका नाम क्या है एजोला पिन्नाटा। इसकी जो बच्चों लीफ हुआ करती है, इस लीफ में पाया जाता है एनाबिना एजोली, एनाबिना एजोली। तो बच्चों एनाबिना एजोली जो है वो एजोला पिन्नाटा की लीफ में होता है, और बच्चों ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि चावल के जो खेत होते हैं, राइस फील्ड जो होते हैं, उसमें हम एजोला को डाल देते हैं क्योंकि इसकी लीफ में जो एनाबिना होगा वो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहेगा। आगे देखिए, दूसरी बात, इसको राइस के फील्ड में क्यों डाला, क्योंकि बच्चों राइस का फील्ड जो है उसमें पानी भरा रहता है, और ये जो फर्न है
वो भी वहां पाया जाएगा जहां पे पानी रहेगा। तो राइस और एजोला दोनों के लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। हाँ जी, इन एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर आर रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल बच्चों, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर आप बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे जो पाइरुविक एसिड होगा उस बच्चों पाइरुविक एसिड से क्या बन जाएगा, अपन कह सकते हैं इससे बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन गया। फिर जो एसिटाल्डिहाइड है बच्चों उससे क्या बन जाएगा, अपन कह सकते हैं एथेनॉल बन जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर तो CO2 निकलती है और इस प्रोसेस में आप कह सकते हैं जो NADH2 है उसका ब्रेकडाउन होगा जिससे NAD बनेगा प्लस H2 बनेगा और ये H2 जो है वो किसके पास जाएगा, एसिटाल्डिहाइड के पास में जाएगा। तो देखो बच्चों यहां पर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो ग्राही है, हाइड्रोजन का जो एक्सेप्टर है वो कौन है, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आया कहां से, ये बच्चों हाइड्रोजन आता है NADH2 से। NADH2 से कैसे आया जरा याद कीजिएगा, जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ था तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो PGAL है ये PGAL बदल गया था PGA के अंदर और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया था। उस हाइड्रोजन को NAD ने कैच किया और चेंज किस में हो गया, NADH2 के अंदर। और फिर देखो बच्चों यही NADH2 जो है आप कह सकते हैं एसिटाल्डिहाइड के पास में गया और ये अपने जो H2 है इसको छोड़ देता है, जिसको एसिटाल्डिहाइड लेके बदल किस में जाता है बच्चों, हम कह सकते हैं एथेनॉल में बदल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आया कहाँ से, PGAL से, और बच्चों इसको लिया किसने, एसिटाल्डिहाइड ने। तो आंसर यहाँ पे हो गया सेकेंड ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन यहां पे जो है कौन सा है अपना, 27 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ईटीएस, जब ईटीएस चलता है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पहले कॉम्प्लेक्स से सेकंड कॉम्प्लेक्स में, फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स में, फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसको कैच कौन करता है, उसका एक्सेप्टर कौन है, अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन है। जरा याद कीजिएगा इस तरीके से, जब ईटीएस होता है तो बच्चों यहां पे होता है साइटोक्रोम ए3 और इस साइटोक्रोम ए3 के अंदर से हम बच्चों कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं। और फिर बच्चों यहां पे दो प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके हाफ ओ2 होता है, ये आप कह सकते हैं ये ग्रहण करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो बच्चों यहां पर जो ETS में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को और इन प्रोटॉन को दोनों कौन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है ताकि H2O का फॉर्मेशन हो जाए। तो बताओ बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस बाय। तो बच्चों डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर थायोबेसिलस, सुडोमोनास एंड बेसिलस की स्पीसीज जो है ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि अपने एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो ये बच्चों डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब जो नाइट्रेट बना हुआ है उस नाइट्रेट से वापस ये किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, नाइट्रोजन का। और सोइल में जो नाइट्रेट है उससे एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करना, ये बच्चों फंक्शन इन सब का है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। आगे देख नेक्स्ट यहां पे है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल इज। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनता है पाइरुविक एसिड, क्या बनता है, पाइरुविक एसिड, फिर वो बदलता किसमें है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। और फिर जो बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो जाता है आप कह सकते हैं क्रेब साइकिल के अंदर, किसमें वो बच्चों जाता है, क्रेब साइकिल के अंदर। तो पाइरुविक एसिड और जो क्रेब साइकिल है बच्चों उनके बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सी है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है। पाइरुविक एसिड का बनना मतलब ग्लाइकोलाइसिस,
तो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच की जो बच्चों कनेक्टिव लिंक है वो कौन सी है? आप कह सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए है। आगे चले नेक्स्ट बच्चों, यहां पे है द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय, देखिएगा, रिलेपम थ्योरी नो, कॉलोनी थ्योरी नो, केमियोस्मोटिक थ्योरी यस, मुंच हाइपोथेसिस नो। बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब लाइट रिएक्शन होती है और जब माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस चलता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जैसे ही प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके से पार होता है पीएमएस से मैट्रिक्स में, जब ये प्रोटॉन आता है तो बच्चों याद करो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रोटॉन पीएमएस से मैट्रिक्स में आता है प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये केमियोस्मोटिक थ्योरी है। फोटोसिंथेसिस की बात मैं करूं, ये बच्चों यहां पे थायलेकोइड की मेम्ब्रेन, यहां पे CF0, ये बच्चों यहां पे CF1 पार्टिकल, और जैसे ये प्रोटॉन इस ल्यूमन से स्ट्रोमा में आए थे तो बच्चों याद करो जब प्रोटॉन ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर आते हैं तो बच्चों यहां पर जो इसकी सरफेस है वहां फॉर्मेशन किसका हुआ था? एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो चाहे तो फोटोसिंथेसिस हो चाहे रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर ही जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो बच्चों वो प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने से होता है, प्रोटॉन का ल्यूमन से स्ट्रोमा में आने से होता है, पीएमएस से मैट्रिक्स में आने से होता है। इस थ्योरी का जो नाम है वो है केमियोस्मोटिक थ्योरी। करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, आरक्यू ऑफ C51H98O6। बच्चों ये अपने पास में एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे आप कह सकते हैं कि ट्राइपामिटिन है, मतलब फैट है, और फैट का जो आरक्यू होता है ये बच्चों क्या है, अपन कह सकते हैं लिपिड है, फैट है, और लिपिड का जो आरक्यू होता है वो बच्चों 0.7 होता है। समझ गए बात को? इसका एक तरीका और भी है निकालने का। आरक्यू बच्चों होता है यहाँ पे CO2/O2। देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन बहुत कम है, अगर इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है तो फिर बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा लेनी पड़ेगी। अगर बच्चों बाहर से O2 ज्यादा लोगे तो आरक्यू वैसे भी कम ही होना है, तो आरक्यू एक से कम होगा। बच्चों एक से कम कौन सा है? 0.7। तो चाहे तो आप इसको एनसीईआरटी के हिसाब से याद भी कर सकते हो या फिर आप इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ भी सकते हो। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन कम होता है तो बाहर से O2 ज्यादा लेनी पड़ती है जिससे आरक्यू की वैल्यू कम हो जाती है। और मान लो बच्चों किसी में अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड में अगर बच्चों ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो उस सिचुएशन में बाहर से O2 कम लेनी पड़ती है जिससे आरक्यू की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे लिपिड है, मतलब जिसमें कार्बन के कंपेरिजन में ऑक्सीजन काफी कम होता है तो बाहर से ली गई O2 ज्यादा हो जाएगी और जो बच्चों आरक्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? फिर कम हो जाती है। आगे देखें, द प्लांट एश इंडिकेट, देखें बच्चों एक तो होता है प्लांट का फ्रेश वेट, एक होता है प्लांट का ड्राई वेट, और एक बच्चों होती है एश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादप भस्म कहते हैं। फ्रेश वेट के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। जैसे ही आपने प्लांट को गर्म किया तो जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं ड्राई वेट, इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। आप इस प्लांट को अगर और गर्म करते हो तो बच्चों जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसी का नाम ऐश है। और बच्चों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब मिनरल्स वगैरह, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऐश है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर सवाल ही पैदा नहीं होता, मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब बाय प्लांट, बिल्कुल जो प्लांट ने एब्जॉर्ब मिनरल किए थे, जो प्लांट ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किए थे वो इस ऐश में आपको मिलेंगे, बोथ मिनरल साल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर नहीं। सिलिका एब्जॉर्ब बाय प्लांट, ये बच्चों कंडीशन हो भी सकती है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है इसमें सिलिका ऑटोमेटिक आ गया। समझ गए? तो आंसर ही बच्चों यहां पे करेक्ट कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन ईटीएस इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर, जरा देखिएगा बच्चों ईटीएस के अंदर अगर आप कंडीशन देखें तो ईटीएस में एक तो साइटोक्रोम सी
और बच्चों एक आप यहाँ पे कह सकते हैं को एंजाइम किनोन। बच्चों प्लास्टोकिनोन प्लास्टोसाइनिन ये तो होते ही नहीं है, ये तो उसके अंदर ईटीएस में था ही नहीं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये दोनों को एंजाइम किनोन और साइटोक्रोम सी ये ऐसे कैरियर है जो बच्चों मोबाइल है, मतलब ये जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में इस तरफ से इस तरफ मूव करते रहते हैं, और जो कैरियर इलेक्ट्रॉन को ले और आगे ट्रांसफर कर दे प्लस खुद भी मूवमेंट करता रहे उसको बच्चों बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है उसके अंदर कि ये जो को एंजाइम फिनोन होता है ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इधर से प्रोटॉन लेता है और बच्चों ये मेम्ब्रेन में इस तरफ आता है। तो देखो बच्चों मेम्ब्रेन में क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, मेम्ब्रेन में मूवमेंट करता है। इसके अलावा बच्चों साइटोक्रोम सी ये क्या करता है, थर्ड कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेता है और फोर्थ कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन देता है, तो बच्चों यहां पर भी ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। आंसर यहां पर हो गया सेकेंड ऑप्शन। ओके तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद में क्या आ गया अपने पास में, इन दिस डायग्राम ए बी सी स्टैंड्स फॉर, ये बच्चों अपने पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में देखो ये जो आप एरिया देख रहे हो ये बच्चों अपन कह सकते हैं ये वो लाइट है जिसका लेमडा 400 नैनोमीटर के अराउंड है, मतलब ये ब्लू लाइट है, और बच्चों यहां पर लेमडा जो है वो आप कह सकते हैं लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास है, मतलब यहां पर रेड लाइट है। चलिए आगे बात करते हैं अपने, तो यहां पे आपको देखा गया है कि ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स है उसकी बच्चों बात अपने सामने की गई है, याद रखना ये जो बच्चों यहां पे है ये होगा क्लोरोफिल बी, क्योंकि जो क्लोरोफिल बी है उसके बारे में ध्यान रखिएगा, जो यहां पर ब्लू लाइट है ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी ही करता है। तो देखो बच्चों यहां पे इसका पीक सबसे ऊंचा है, इसका मतलब ब्लू लाइट यहां पे है और सबसे ऊंचा पीक है, इसका मतलब क्लोरोफिल बी है, समझ गए। आगे कंडीशन देखें, आगे बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं ये वाला जिसको आपने यहां पे बी में शो कर रखा है, तो अपन इसमें कह सकते हैं ये बच्चों यहां पर क्लोरोफिल ए है, यू ये बच्चों यहां पे क्लोरोफिल ए है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है देखो बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं क्लोरोफिल ए जो होता है वो रेड लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो यू इस तरीके से सी, ये बच्चों यहां पे कैरोटीनॉइड है, सी बच्चों यहां पर क्या है आप कह सकते हैं कैरोटीनॉइड है, ये बच्चों यहां पर कैरोटीनॉइड है। तो बच्चों बिल्कुल अपन कह सकते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें आप इजिली ये देख सकते हैं। आगे देखिए मैचिंग आप कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 35 स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ए बी एंड सी। देखिएगा बच्चों ये अपने पास में एक डायग्राम है और ये डायग्राम जो है जिसमें देखिए आप इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू हो गए वापस बच्चों वहीं पर आ गए, इसका मतलब ये एक साइक्लिक लाइट रिएक्शन है, ठीक है गौर से देखिएगा बच्चों। यहां पे सबसे पहले देखो बी जो है ये क्या है, ये बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, और जो आप यहां पे सी देख रहे हो ये सी, ये बच्चों सी आप यहां पे कह सकते हैं रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसको प्राइमरी एक्सेप्टर ग्रहण करता है जो कि फेरेडोक्सिन है, और बच्चों ये पूरा सिस्टम जो है वो कहलाता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है साइक्लिक के अंदर पीएस सेकंड का कोई रोल नहीं है। तो बच्चों यहां पर ए जो है ये पूरा का पूरा कौन सा हो गया, ये बच्चों ए यहां पे है, इसमें लिखा है ए इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, बच्चों ए यहां पे इलेक्ट्रॉन का डोनर नहीं है। सी इज द रिएक्शन सेंटर, बिल्कुल सही है, वाइल बी इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिल्कुल सही है, और जो बच्चों ए है ये बच्चों पूरा का पूरा क्या हो गया, फोटोसिस्टम हो गया। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया सेकेंड ऑप्शन। फिर बच्चों इसके बाद में है 36 विद रेफरेंस टू 12 टाइम केल्विन साइकिल Which of the given option is correct for the following question? अगर बच्चों 12 बार केल्विन चक्र होता है तो 12 बार केल्विन चक्र होने पर क्या होता है, आइए बात करते हैं। How many gross PgAl molecule are produced? बच्चों
अगर एक बार केल्विन साइकिल होता है तो 2 PGAL बनते हैं, अगर 12 बार होगा तो अपन कह सकते हैं 24 PGAL का फॉर्मेशन होगा। टोटल हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ PGAL मॉलिक्यूल? बच्चों PGAL मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मेशन करने के लिए कितने ATP जो है इनकी रिक्वायरमेंट होगी, आइए बच्चों देखते हैं। एक PGAL के फॉर्मेशन के लिए अपन कह सकते हैं 3 तो बच्चों ATP एंड 2 जो NADH2 है NADPH2 उनकी रिक्वायरमेंट होती है। आपको यहां पे 12 बार करना है तो कितने ATP, 12 दुना 24 बार या 36, तो 36 बच्चों यहां पे ATP आ जाएंगे। हाउ मेनी टोटल NADPH2 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड? वही बात, एक केल्विन साइकिल में 3 ATP 2 NADPH2, तो बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं कि 12 केल्विन साइकिल के अंदर बार या 36, 36 तो बच्चों ATP हो गए एंड 24 यहां पे क्या हो गए NADPH2 हो गए और 24 बच्चों यहां पे PGAL का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, एक बार केल्विन साइकिल हुआ तो 2 तो बच्चों क्या बन गए PGAL, यहां पे 3 ATP जो है उनकी रिक्वायरमेंट है और जो 2 NADH2 है बच्चों उनकी रिक्वायरमेंट यहां पे। अगर 12 टाइम केल्विन साइकिल होगा तो 12 × 2 = 24 तो PGAL एंड आप यहां पे कह सकते हैं 36 ATP एंड 24 बच्चों यहां पे आप कह सकते हैं जो NADPH2 है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर यहां पे हो गया 4th ऑप्शन। फिर बच्चों यहां पे 37 PGA एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट विच वॉज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गी इन द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन विच टाइप ऑफ प्लांट? बच्चों PGA जो होता है वो पहला स्थायी उत्पाद है किन के अंदर, याद रखना 3 PGA जिसका पूरा नाम है 3-phosphoglycerate जिसमें 3 कार्बन होते हैं, जो C3 प्लांट होते हैं बच्चों C3 प्लांट वो होते हैं जिनमें बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन के अंदर 3 कार्बन वाला होता है, उनको हम लोग बोलते हैं C3 प्लांट। तो बच्चों याद रखना इन सम एल्गी नो, सम एलिगेंट ब्रायोफाइट नो, बच्चों आंसर यहां पे होगा इन ऑल C3 ग्रीन प्लांट। जो C3 ग्रीन प्लांट होते हैं बच्चों C3 का मतलब ही क्या है, जिनका डार्क रिएक्शन का फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है जो कि PGA होता है, उनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं C3 ग्रीन प्लांट बोलते हैं, आंसर यहां पे 4th ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद में, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डार्विन एंड डार्विन इन 1880 फाउंड दैट द सेनेसेशन ऑफ यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन वॉज प्रिसीव्ड बाय द कॉलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास। बच्चों अपन कह सकते हैं बिल्कुल सही है, डार्विन ने ये देखा था कि जो प्लांट है कैनरी ग्रास का वो बच्चों उस तरफ मूव करता है जिस तरफ से सनलाइट आती है, और बच्चों इसके लिए जो सेंसिटिविटी है वो किस में होती है, टिप पार्ट के अंदर होती है। इंडोल एसिटिक एसिड इज यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सिन डिस्कवर्ड बाय कोगल, बिल्कुल सही है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड इज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सिन, बिल्कुल सही है बच्चों, ये नेचुरल होता है बट आप इसको बाहर भी बना सकते हो लेबोरेटरी के अंदर। ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट, नहीं, ऑक्सिन जो है वो बच्चों एपिकल शूट जो है उसको प्रमोट करता है न कि लेटरल शूट को प्रमोट करता है, तो यहां पे A, B and C करेक्ट है, आंसर हो गया 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रोथ इन प्लांट इज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन, पादपों में वृद्धि को मापा जा सकता है, ड्राई वेट, बिल्कुल, अगर बच्चों प्लांट का जो ड्राई वेट है वो बढ़ रहा है इसका मतलब बच्चों प्लांट क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम, बिल्कुल, नंबर ऑफ सेल, सेल डिविजन इन पर यूनिट टाइम, फ्रेश वेट एंड साइज ऑफ सेल। देखिए बच्चों साइज ऑफ सेल की बात करें तो सेल की साइज ज्यादा हो रही है या सेल की साइज कम हो रही है, सेल की साइज को अगर आप मेजर करो इसको बच्चों बोलते हैं डायरेक्टली मेजरमेंट, और हमारे पास इतने अपरेटस नहीं होते हैं, इतने उपकरण नहीं होते जिससे हम सेल की साइज को मेजर कर सकते हैं, तो बच्चों अपन कह सकते हैं जनरली सेल की साइज को मेजर करके हम ग्रोथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ इन प्लांट इज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन ड्राई वेट,
लेंथ एरिया वॉल्यूम नंबर ऑफ सेल सेल डिविजन पर यूनिट टाइम फ्रेश वेट। तो बच्चों यहां पे आंसर आपका हो गया 5। समझ गए ये बच्चों अपने सामने कंडीशन है, मतलब जो सेल की साइज है बच्चों उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों सेल की साइज को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, हमारे पास ऐसे अपैरेटस ही नहीं होते हैं, तो फिर हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं ग्रोथ को मेजर करते हैं। आगे देखिए फिर बच्चों यहां पे है इन सी एम प्लांट सी एम पादपों में ओनली सी थ्री एंजाइम। बच्चों एक तो होता है सी थ्री एंजाइम और एक होता है सी फोर एंजाइम। सी फोर एंजाइम बोलते हैं पेपकेज को, सी थ्री एंजाइम बोलते हैं आप कह सकते हैं रुबिस्को को। तो सी थ्री एंजाइम आर प्रेजेंट इन बंडल शीट। बच्चों बंडल शीट तो सी एम के अंदर होता ही नहीं है, बंडल शीट तो होता ही नहीं है, ये लो। तो सी थ्री एंड सी फोर एंजाइम वहां पर चाहे तो पेपकेज हो चाहे रुबिस्को हो, दोनों बच्चों कहां पर होते हैं मेसोफिल सेल में होते हैं। क्योंकि याद करो जो बंडल शीट सेल है वो तो सी फोर प्लांट में होती है, लेकिन क्वेश्चन में सी एम प्लांट दे रखा है, यहाँ तो बंडल शीट होती नहीं है, यहाँ तो जो कुछ भी है सिर्फ मेसोफिल सेल है, वहीं पर तो रुबिस्को है, वहीं पर पेपकेज एंजाइम है। आंसर बच्चों यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट गिवन ग्राफ इज ड्रॉन ऑन द पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ वर्सेस टाइम हियर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों ए यहां पे कौन सी फेज है, स्टेशनरी फेज है जहां पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गई है। बी बच्चों यहां पे जो है ये कौन सी है, ये है लैग फेज। ये बच्चों कौन सी है, लॉग फेज है जहां पे ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। ए जो बच्चों यहां पे है आप कह सकते हैं स्टेशनरी फेज है, तो ए तो कौन सी हो गई यहां पर, ए बच्चों यहां पे अपने पास में है एक्सपोनेंशियल फेज, बिल्कुल स्टेडी फेज है। बी बच्चों कौन सी है, लैग फेज। और बच्चों सी कौन सी है, लॉग फेज। आंसर यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों 42 क्वेश्चन। सी एम प्लांट्स लैग स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट ऑफ लीफ एज फाउंड इन सी फोर प्लांट। बिल्कुल सही है, जो बच्चों सी फोर प्लांट होते हैं उस सी फोर प्लांट के अंदर क्या होता है, सी फोर प्लांट के अंदर बच्चों एक तो होती है मेसोफिल सेल और बच्चों एक होती है बंडल शीट सेल। तो देखो बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट बन गया, यहाँ पे संरचनात्मक विभाजन बन गया, एक संरचना अलग है मेसोफिल कोशिका की, एक संरचना अलग है आप कह सकते हैं बंडल शीट कोशिका की। उसके बाद में आगे देखें इन फोटो रेस्पिरेशन पाथ नाइदर एटीपी नोर एनएडीपीएच2 इज प्रोड्यूस्ड। प्रकाशिक श्वसन के अंदर एटीपी और जो एनएडीपीएच2 है इसका प्रोडक्शन नहीं होता। बच्चों बिल्कुल सही बात है, प्रकाशिक श्वसन जो है फोटो रेस्पिरेशन जो है ये एक हार्मफुल प्रोसेस है, इसमें न तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा न बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं एनएडीपीएच2 का फॉर्मेशन होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हमने तो पढ़ा था कि एनएडीपीएच2 बनता है, नहीं बच्चों वहां पे जैसे ही NADPH2 बनता है तो वापस NADPH2 कंज्यूम भी हो जाता है। तो पूरे प्रकाशिक श्वसन के अंदर पूरे फोटो रेस्पिरेशन के अंदर न तो बच्चों ATP का फॉर्मेशन होगा और न ही आप कह सकते हैं NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, दोनों बच्चों यहां पे स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। आगे चले बोल्टिंग मे बी इंड्यूस्ड बाई जिब्रेलिक एसिड। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बच्चों रोजेट फेज के होते हैं। रोजेट फेज का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों पत्ता गोभी होती है उसमें स्टेम बहुत रिड्यूस होता है, स्टेम बहुत छोटा होता है, प्लांट जमीन के टच रहता है। अगर आप जिब्रेलिक एसिड का यूज करोगे तो स्टेम इलोंगिनेशन होता है और स्टेम इलोंगिनेशन से आप कह सकते हैं पत्ता गोभी ऊपर हो जाती है, रोजेट फेज जो है वो टूट जाती है। इसको बच्चों बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। ये किससे होता है, जिब्रेलिन से होता है। हाँ तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 44। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद। प्रकाश संश्लेषण के अंदर जब जल का अपघटन होगा तो उसका संबंध किससे होता है, पीएस फर्स्ट से होता नहीं है। अपने को पता है कि जब भी वाटर का फोटोलाइसिस होगा तो वो पीएस सेकेंड से संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पे या तो बी होगा या सी होगा। आगे देखो पीएस सेकेंड रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ओ2 प्रोटोन
एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू पीएस फर्स्ट, बच्चों पीएस फर्स्ट में नहीं, जो पीएस सेकंड है उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो यहां पे आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। फिर यहां पे है 45 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फोटोसिंथेसिस, द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोफॉस्फोराइलेशन आर लोकेटेड एट द थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन। जो बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन के कैरियर है, बिल्कुल अपन कह सकते हैं, एक डायग्राम भी एनसीईआरटी का है, ये थाइलेकोइड है, और बच्चों जो यहां पे कैरियर है वो थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर ही पाए जाते हैं, फेरेडोक्सिन, प्लास्टोकिनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, ये सब बच्चों कहां पर है, मेम्ब्रेन में है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पीएस सेकंड एब्जॉर्ब एनर्जी एट जस्ट बिलो 680, बिल्कुल सही है। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल शो दैट सम कलर ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड मोर देन द अदर्स, बिल्कुल सही है। जो बच्चों यहां पे आप कह सकते हैं ब्लू और जो रेड कलर की लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन अदर कलर से ज्यादा होता है। कंपेंसेशन पॉइंट ऑफ C4 प्लांट इज हायर देन C3 प्लांट, नो। जो बच्चों C3 प्लांट है इसका कंपेंसेशन पॉइंट ज्यादा होता है, इसका 450 के आसपास है, जबकि C4 का लगभग 360 के आसपास होता है। तो बच्चों गलत यहां पे हो गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, ए प्लांट हार्मोन विच यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मोर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर जो सेल्स का गुच्छा बनता है, जो ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनता है, उसको कैलस कहते हैं। हम लोग एक तो ऑक्सिन और एक साइटोकाइनिन, इन हार्मोन का यूज करते हैं ताकि रूटिंग हो जाए, ताकि शूटिंग हो जाए, इसको बोलते हैं मोर्फोजेनेसिस। कैलस को हार्मोन देके उसमें रूटिंग एंड शूटिंग को जनरेट करना, ये मोर्फोजेनेसिस है, और इसके लिए ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की जरूरत पड़ती है। तो इथाइलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, साइटोकाइनिन बिल्कुल है, जिब्रेलिन नहीं है, एब्सिसिक एसिड नहीं है। आंसर बच्चों कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। आगे देखें, नेक्स्ट है, इफ ग्रीन प्लांट सेल आर इंक्यूबेटेड विद O18 लेबल्ड CO2, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बिकम रेडियोएक्टिव व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज टू लाइट। बिल्कुल देखते हैं बच्चों रिएक्शन क्या होती है, 6 CO2 प्लस 12 H2O, फॉर्मेशन किसका होगा, C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। अगर आपने जो CO2 में बच्चों कंडीशन देखे, अगर आपने CO2 में CO18 कर दी, तो ये O18 कहाँ जाएगी, देखिए बच्चों H2O में जो ऑक्सीजन है ये तो जाती है ये रिलीज्ड गैस में, अब ये जो O18 है एक तो जाती है ग्लूकोज के अंदर और जाती है बाकी इस H2O के अंदर। तो मैं कह सकता हूं अगर आपने CO2 के अंदर O18 कर दी, तो बच्चों O18 किस में पाया जाएगा, ग्लूकोज में, भी यहां पे O18 मिलेगा, ये बच्चों कंडीशन यहां पे है, तो आंसर हो गया सुगर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हैच एंड स्लैक पाथवे इन C4 पाथवे। बच्चों C4 पाथवे के अंदर हैच व स्लैक चक्र में बनने वाली प्रथम स्थायी उत्पाद, ये बच्चों किसकी बात कर रहा है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड की बात कर रहा है, क्योंकि याद करो C4 साइकिल में बनने वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड होता है। तो ऑक्सलो एसिटेट फॉस्फोग्लिसरेट नो। तो बच्चों इसने लिखा है ऑक्सलो एसिटेट इज फॉर्म्ड बाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इन द बंडल शीट, नो, बंडल शीट में नहीं, बल्कि जो मेजोफिल सेल है, इस मेजोफिल सेल के अंदर क्या होगा, आपको पता है मेजोफिल सेल में PEP रिएक्शन करता है CO2 से और ऑक्सलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। आंसर बच्चों यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। देखो बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कह सकते हैं पूरे कॉन्सेप्चुअल आते हैं, रटाफिकेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट्स है। देख, आइडेंटिफाई ABCD एंड E इन फ्लो चार्ट। देखते हैं A बच्चों यहां पर क्या है, तो A अपन कह सकते हैं ये बच्चों यहां पर नॉन साइक्लिक ETS है, और नॉन साइक्लिक में ये तो क्या होता है PS सेकंड, ये बच्चों यहां पर क्या है PS फर्स्ट,
और बच्चों यहां पे अगर आप कंडीशन देखें तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हो गया। तो ए तो कौन है, फोटोसिस्टम सेकंड, ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फोटोसिस्टम सेकंड। बी कौन है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। सी कौन है, ये बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। डी कौन है, पीएस फर्स्ट है। और बच्चों ई यहां पर जो है वो आप कह सकते हैं एनएडीपीएस है। आंसर यहां पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। आगे देखो, अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। फॉर यील्डिंग वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज द केल्विन साइकिल टर्न, बच्चों 6 टाइम, एक बार केल्विन साइकिल अगर होगा तो एक कार्बन का फिक्सेशन होता है, लेकिन ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है, तो जब 6 टाइम केल्विन साइकिल चलेगा तो आप कह सकते हो बच्चों यहां पे एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज फार एज क्रेन्स एनाटॉमी इन कंसर्न, क्रेन शारीरिकी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। अनडिफ्रेंशिएटेड मेसोफिल अकर्स इन कोसेंट्रिंग लेयर अराउंड वैस्कुलर बंडल, सेंट्रीफ्यूगल क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल, लार्ज साइज बंडल शीट सेल आर अरेंज्ड इन ए रिथलिक मैनर इन 1 to 7 लेयर्स, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल्स पजेस वेल डेवलप्ड ग्रैनुलर। देखो बच्चों क्रेन्ज एनाटॉमी जो होती है, आप देख सकते हैं इस क्रेन्ज एनाटॉमी का मतलब ही क्या है, अगर बच्चों मेसोफिल के साथ साथ में आपको बंडल शीट मिल जाए, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी। तो अपन कह सकते हैं जैसे इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ऑफ बंडल शीट सेल्स पजेस वेल डेवलप्ड ग्रेनुलमिली, ये बच्चों यहां पे गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेसोफिल जो होता है बच्चों उसमें ग्रेना वेल डेवलप होता है, और जो बंडल शीट होती है बच्चों उसमें स्ट्रोमा वेल डेवलप है। मेसोफिल में स्ट्रोमा जो है वो लेस डेवलप है, क्योंकि इसके स्ट्रोमा में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता, इसका स्ट्रोमा वेल डेवलप है क्योंकि बच्चों इसके स्ट्रोमा में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। ग्रेना जो है वो बच्चों इसका लेस डेवलप है बिकॉज पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। तो बच्चों यहाँ पे देखो उल्टा लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल पजेस वेल डेवलप ग्रेना, नहीं बच्चों बंडल शीट में जो ग्रेना है वो लेस डेवलप है, स्ट्रोमा इसका वेल डेवलप है। तो आंसर इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन। आगे देखे, विद रेस्पेक्ट टू कंपेंसेशन पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर C4 एंड C3 प्लांट, कंपेंसेशन पॉइंट ऑफ C3 एंड C4 प्लांट आर इक्वल, नो। बच्चों C4 का जो है वो होता है लगभग 360 और जो C3 है इसका बच्चों होता है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो कंपेंसेशन पॉइंट ऑफ C3 प्लांट इज हायर देन C4 प्लांट, बिल्कुल कंपेंसेशन पॉइंट ऑफ C4 प्लांट एज हायर देन C3 प्लांट। बच्चों करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। एनसीईआरटी की बच्चों लाइन दे रखी है, एनसीईआरटी की लाइन यहां पर दे रखी है कि कंपेंसेशन पॉइंट जो है वो बच्चों ज्यादा किसका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद में। इन फोटोसिस्टम फर्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, ये बच्चों अपने को पता है फेरेडॉक्सिन। फोटोसिस्टम फर्स्ट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है रिएक्शन सेंटर से उसको फेरेडॉक्सिन कैच कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बच्चों यहां पे अपने पास में कंडीशन है, द गिवन फिगर शो डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो दैट अंडरगो 2 फेज एंड बी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चों ए के अंदर क्या है, एक से बन गई 2 सेल, 2 से बन गई 4 सेल। तो बच्चों 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल मतलब डिवीजन के बाद बनने वाली अगर सेल और डिवीजन करती रहे तो बच्चों ऐसी कंडीशन जो होती है उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं, ये बच्चों स्पेशल कंडीशन है, ये बच्चों यहाँ पे जियोमेट्रिक ग्रोथ है जिसमें 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल बनती है। बी, ये देखो बच्चों यहाँ पे प्लांट हो गया, और जो प्लांट है अगर आप कंडीशन देखें तो बच्चों प्लांट में ग्रोथ कौन सी होती है, एरिथमेटिक ग्रोथ होती है, क्योंकि बच्चों प्लांट में याद करो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो डिवीजन करने के बाद में 2 सेल प्रोड्यूस करता है, जिनमें अपन कह सकते हैं बच्चों एक तो डिवीजन करने वाली होती है एक डिवीजन नहीं करने वाली होती है। तो ये बच्चों यहाँ पे जियोमेट्रिक ग्रोथ है, ये बच्चों यहाँ पर एरिथमेटिक ग्रोथ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
वन मेज जूट सेल कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 सेल्स. बिल्कुल सही है बच्चों, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. ए सेल इन वाटरमेलन कैन इंक्रीज इन साइज अप टू 350,000 टाइम्स. बिल्कुल करेक्ट है. द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ लेंथ. बिल्कुल करेक्ट है. द ग्रोथ ऑफ द लीफ इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ सरफेस एरिया. बिल्कुल, जो बच्चों लीफ है उसकी ग्रोथ भी हम सरफेस एरिया के हिसाब से काउंट करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे सारे स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, ये बच्चों मैंने एनसीईआरटी जो है उसी के स्टेटमेंट लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं. ठीक है बच्चों, आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सिन. ऑक्सिन प्रमोट रूट ग्रोथ ओनली एट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन एंड दे इनहिबिट रूट ग्रोथ एट हायर कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन विच इज इनहिबिटरी टू रूट ग्रोथ कॉज इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फ्रॉम द नोड और बेसल रीजन. ऑक्सिन सच एस एन ए ए एंड आई बी ए आर यूज टू इंड्यूस रूटिंग इन स्टेम कटिंग. ये बच्चों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो स्टेम कटिंग होती है, अगर आप कट लगाओ किसी स्टेम पर तो बच्चों उस स्टेम कटिंग में से रूट के फॉर्मेशन के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, इन हार्मोनों का यूज करते हैं. तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया. आगे देखिए 57 बच्चों, मैचिंग यहाँ पे करनी है अपने पास में. आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग. इधर सबस्ट्रेट है, यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. तो बच्चों फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है इसका एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज. बिल्कुल सही है, जो कि C4 एसिड ऑक्सलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है C4 साइकिल में. मेलेट इसका है मेलेट एंजाइम. ये बच्चों यहाँ पे लिखा है C4 एसिड. RUBP का राइबुलोज 5-फॉस्फेट काइनेज. ये बच्चों गलत है, C3 एसिड का फॉर्मेशन करता है. ये तो सही है लेकिन एंजाइम का नाम गलत है. ये राइबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट आता है. पाइरुवेट पाइरुवेट डाइकाइनेज. ये बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं PEP का फॉर्मेशन करता है. तो देखो बच्चों बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है एंड यहाँ पे फोर्थ जो है वो करेक्ट है. करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया. ये जो बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है बच्चों उसी का क्वेश्चन है. हालांकि कुछ बच्चे समझ गए होंगे लेकिन जो नहीं समझे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन. मैक्सिमम CO2 फिक्सेशन इज डन बाई. बच्चों इसका आंसर है फाइटोप्लैंक्टोन. बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि फाइटोप्लैंक्टोन जो होते हैं प्रोटिस्टा में आते हैं, आप कह सकते हैं डाई एटम्स वगैरह आते हैं, डायनोफ्लेजेलेट्स वगैरह जो आते हैं, ये जो बच्चों फाइटोप्लैंक्टोन होते हैं क्राइसोफाइट्स, ये फाइटोप्लैंक्टोन क्या करते हैं, लगभग आधी CO2 का फिक्सेशन कर लेते हैं. करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया सेकेंड ऑप्शन. 59 आगे देखें. डॉक्टर F.W. वेंट नोटेड दैट द कोलोटाइल टिप वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगार फॉर 1 hour. द अगार वुड प्रोड्यूस ए बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन द वन साइड ऑफ फ्रेशली कट कोलोटाइल स्टम्स ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपीरियंस. F.W. वेंट ने देखा कि प्रांकुर चोल को हटाकर अगार पर 1 घंटे के लिए रख देते हैं और अगार ताजा कटे प्रांकुर चोल ठूट पर एक दिशा में रख दे तो वक्रण पैदा कर सकता है, यह क्या दर्शाता है. अरे बच्चों ये प्लांट था, आपने इसका जो कोलियोप्टाइल है वो कट कर दिया और उसको रख दिया कहां पर, एगार एगार के ऊपर. एगार एगार जो है वो बच्चों अंतः शोषण करता है, अर्थात इसमें जो ऑक्सीजन था अब कहां पे आ गया, एगार एगार में आ गया. अब बच्चों आपने क्या किया इसके बाद में, अब इसके बाद में एक दूसरा प्लांट जिसका कोलियोप्टाइल कटा हुआ था आपने ये अगार अगार इसके एक साइड में रख दिया. इसका मतलब अगार अगार जिसमें ऑक्सीजन है वो आपने स्टेम के एक साइड में रख दिया. तो देखो बच्चों यहाँ पे तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था. तो जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चों उस तरफ ग्रोथ भी क्या होती है, ज्यादा. और बच्चों इस तरीके से ये प्लांट ऐसे यहाँ पे मुड़ जाता है. तो ये किस चीज को शो करता है, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन. यह ऑक्सीजन के पृथक्करण और वास्तविक पहचान को संभव करता है. बिल्कुल सही है.
इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस. इट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट IAA इज ऑक्सिन. इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन. देखो बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो तो एक से ज्यादा यहाँ पे सही है, लेकिन ये जो अपने पास में सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर, इसमें आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है वो इस फर्स्ट ऑप्शन को शो करता है कि अगर एक तरफ आपने ऑक्सिन को टिका दिया तो प्लांट में जो है वो मूवेबल हो जाता है, प्लांट जो है बच्चों उसमें वक्रण हो जाता है, उसमें कर्विंग हो जाती है. ये बच्चों यहाँ पे ऑक्सिन के पृथक्करण को दर्शाता है कि आपने ऑक्सिन को यहां से सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. सीड ऑफ विंटर वेराइटीज आर बेनिफिटेड बाय दिस मेथड सेनेसेंस फोटोपीरियोडिज्म एब्सिसिन या वर्नलाइजेशन. आंसर बच्चों वर्नलाइजेशन है. अगर सीड को बीज को कम टेम्परेचर पे रखे तो वो जल्दी जर्मिनेट होता है और उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ छोटी हो जाती है और जो फ्लावर्स है वो समय से पहले आ जाते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं वर्नलाइजेशन. तो ये कब होता है? लो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब विंटर कंडीशन के अंदर. नेक्स्ट 61. प्लांट्स एडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव. पादप जो कम प्रकाश तीव्रता में अनुकूलित है उनमें क्या होता है बच्चों? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. अगर लाइट की इंटेंसिटी कम आती है तो क्या होता है? ये जो अपनी फोटोसिस्टम की यूनिट होती है, ये बच्चों अपने फोटोसिस्टम को बड़ा कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट जो है उसे ये कवर कर सके. तो बच्चों यहां पे क्या हो गया? लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन द सन प्लांट्स. ये जो बच्चों प्लांट है वो सूर्य से ज्यादा प्रकाश ग्रहण करने के लिए अपने यूनिट को बढ़ा लेते हैं. हाई रेट ऑफ कार्बन डाइफिक्सेशन, ऐसा कुछ बच्चों यहां पे है नहीं, तो आंसर यहां फर्स्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट 62. वर्नलाइजेशन इज, बच्चों क्या होता है वर्नलाइजेशन? फ्लावरिंग इंडक्शन बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई सीड. नहीं बच्चों, ड्राई सीड यहां पे नहीं आता है. हम जो सीड है उसको मॉइस्चर देते हैं, नमी देते हैं और उसको ठंड में रखते हैं, उसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि सीड का जर्मिनेशन जल्दी हो, वेजिटेटिव ग्रोथ छोटी हो और जल्दी ही रिप्रोडक्टिव फेज आ जाए, जल्दी ही फ्लावरिंग आ जाए. फ्लोरिंग इंडक्शन बाई लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट सीड, बिल्कुल सही है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सीड जर्मिनेशन, इफेक्ट ऑफ लाइट पीरियड ऑन फ्लोरिंग. तो बच्चों आंसर यहां पे हो गया सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट कंडीशन देखे 63 नंबर क्वेश्चन. द अल्टीमेट बायोलॉजिकल एनर्जी कम फ्रॉम, बच्चों अंततः हमारे पास एनर्जी कहां से आती है? सन से, सूर्य से. याद रखना बच्चों, वैसे तो एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन कब करता है? जब रेस्पिरेशन हो. रेस्पिरेशन कब होता है? जब ग्लूकोज हो. ग्लूकोज कब बनता है? जब फोटोसिंथेसिस हो. और बच्चों फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब सन हो, जब लाइट आए. तो अल्टीमेट सोर्स बच्चों क्या हो गया यहां पर? सनलाइट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. द इमर्सन इफेक्ट मीन्स इंक्रीज इन फोटोसिंथेटिक यील्ड ड्यू टू. इमर्सन प्रभाव से तात्पर्य है कि प्रकाश संश्लेषण की लब्धि बढ़ जाती है. इसका कारण क्या है? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ व्हाइट लाइट ऑन प्लांट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ येलो एंड ग्रीन लाइट ऑन प्लांट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ रेड लाइट विद फार रेड लाइट. ये बच्चों बिल्कुल यहाँ पे सही है. इमर्सन इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी प्लांट को 680 नैनोमीटर से अपर वेवलेंथ की लाइट, और अगर एक वो लाइट जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से कम होती है, अगर दोनों लाइट प्लांट को एक साथ दे दे तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ जाती है. इसको बोलते हैं बच्चों इमर्सन इफेक्ट. और ये कौन सा है? एक तो रेड लाइट है, एक बच्चों फार रेड लाइट है. एक अपर 680 नैनोमीटर है, एक बिलो 680 नैनोमीटर है. नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन. What does the given diagram represent with respect to the various photosynthetic process? Okay, ये बच्चों यहाँ पे क्या है? अपने पास देख सकते हैं cyclic light reaction है, तो क्या हो गया? C2 cycle? No. Cyclic flow of electron? बिल्कुल सही है. Splitting of water? No. Trapping of light by various pigment? देखो बच्चों ये जो diagram है ये cyclic flow of electron है, जहाँ से देखो electron यहाँ से start हुआ और वापस यहीं पे आ गया.
66 देखते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लोरोफिल ए इज ए लीनियर चेन कंपोनेंट एंड बी इज ब्रांच्ड, क्लोरोफिल ए हैज नो Mg प्लस टू, नहीं बच्चों ऐसे कुछ नहीं है, ये सही है, इन क्लोरोफिल ए देयर इज CH3 ग्रुप वेयर्स इन बी इज CHO ग्रुप, जो बच्चों क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल के अंदर जहां पे क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है बच्चों वहां क्लोरोफिल बी में LDH ग्रुप होता है, आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर यील्डिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज द केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड अबाउट, एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए केल्विन साइकिल में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, बच्चों एक केल्विन साइकिल अगर होता है तो 3 ATP एंड 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है, एक ग्लूकोज के लिए आपको 6 कार्बन चाहिए और 6 कार्बन के फिक्सेशन के लिए 6 टाइम क्या होगा, केल्विन साइकिल, तो बच्चों 18 तो यहां पे ATP एंड 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों अगर ATP की बात करें तो आंसर यहां पे कितना आ गया, 18 आ गया। आगे देखिए 68, ड्यूरिंग फोटो हाँ बच्चों नेक्स्ट यहां पे है 68 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब बच्चों क्या रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस लिबरेशन ऑफ O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2 टेक प्लेस, बिल्कुल सही है बच्चों, ये जो लाइट रिएक्शन होती है इस लाइट रिएक्शन के अंदर O2 भी निकलती है, ATP और जो NADPH2 है उसका फॉर्मेशन होता है, एसिमुलेशन ऑफ CO2 टेक प्लेस, नहीं बच्चों CO2 का फिक्सेशन इसमें नहीं होता है और डार्क रिएक्शन में होता है, लिबरेशन ऑफ O2 टेक प्लेस, बच्चों O2 निकलती है, फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH2 बिल्कुल सही है, तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो गया जिसमें सेकंड और थर्ड ऑटोमेटिक आ गए कि लिबरेशन ऑफ O2 भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP भी होती है और फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 भी होता है, आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 69, इन CAM प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंटर्स द प्लांट बॉडी ड्यूरिंग, CAM पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 कब प्रवेश करती है, बच्चों CAM प्लांट के अंदर रंध्र स्टोमेटा रात को खुलते हैं, नाइट में ओपन होते हैं तब CO2 अंदर आती है, तो स्टोमेटा कब खुलते हैं, नाइट में, तो कब हो गया इसमें, नाइट थ्रू द स्टोमेटा विच आर केप्ट ओपन। आगे देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, CO2 fixation in C3 plants reach saturation at much lower light intensity than C4 plant. C3 पादपों में CO2 स्थिरीकरण C4 पादपों की तुलना में अति कम प्रकाश तीव्रता पर पहुंच जाता है। C3 plants can synthesis hexose sugar in mesophyll cell, but C4 plants synthesis sugar इन बंडल सीड सेल, बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि बंडल सीड सेल के अंदर क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम होता है। C3 प्लांट आर एबल टू यूज वाटर मोर एफिशिएंटली देन C4 प्लांट, ये बच्चों यहां पे गलत हो गया, C4 प्लांट जो है उनमें वाटर की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, फूड के फॉर्मेशन के लिए जितना C3 प्लांट वाटर लेते हैं उसका हाफ वाटर ही C4 प्लांट लेता है, ये बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है। Under ideal condition, the rate of photosynthesis in C4 plant is 2-3 times that of C3 plant. ये बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। 71 number question, in which of the following wavelength photosystem first is inactive? देखिए बच्चों, अगर आप condition देखें, 400 से लेकर 700 nanometer की जो wavelength है, इसमें photosynthesis होता है। अगर 400 से 680 तक है तब नॉन साइक्लिक होगा, जिसमें पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों काम आते हैं। अगर 681 से 700 तक है तो साइक्लिक लाइट रिएक्शन होगा, जिसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट काम आता है। लेकिन बच्चों अगर वेवलेंथ 780 नैनोमीटर है तो इससे ज्यादा वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों इनएक्टिव रहेंगे।
आंसर फर्स्ट हो गया। 72, ग्रोथ इज प्राइमरली अफेक्टेड बाई टू क्लाइमेटिक फैक्टर, लाइट एंड टेम्परेचर। बिल्कुल बच्चों, जितनी लाइट होती है आप कह सकते हैं उतनी ग्रोथ होती है, या मैं कहूँ जिस डायरेक्शन से लाइट आती है उस डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर के हाई होने पर एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एंजाइम के ज़्यादा एक्टिव होने से ग्रोथ भी तेजी से होती है। टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नहीं बच्चों, जो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका ग्रोथ से कोई खास रिलेशन नहीं है। लाइट एंड विंड, विंड से नहीं है, रेनफॉल, रेनफॉल से नहीं है। तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 73, इन डीकैपिटेटेड प्लांट एक्सिलरी बर्ड्स आर एक्टिवेटेड बिकॉज। जो बच्चों डीएक्टिवेटेड प्लांट है, एक शिरा छेदित पादप में कक्षस्थ कलिकाएं सक्रिय क्यों होती है? जैसे बच्चों ये अपने पास एक प्लांट है, अगर आपने इसको ऊपर से कट कर दिया तो लेटरल ब्रांचेस चालू हो जाती है, साइड में जो शाखाएं हैं उनका बनना शुरू क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चों डीकैपिटेशन करने से, ऊपर वाले भाग को काटने से जो ऑक्सिन है वो ऑक्सिन कम हो जाता है, और बच्चों ऑक्सिन के कम होने से एपिकल डोमिनेंस नहीं होता, लेटरल डोमिनेंस होता है। अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन इंक्रीज इन देम, बिल्कुल ऑक्सिन इज मेड अवेलेबल टू देम, नो, दे गेट मोर लाइट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड, नहीं बच्चों, अगर आपने अपर पार्ट को काट दिया, अपर पार्ट को काटने पे ऑक्सिन कम हो जाता है, ऑक्सिन कम होने पर अब साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ती है जिससे साइड में ब्रांचेस का निर्माण हो जाता है। आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट 74, द लाइट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड हिल रिएक्शन। बिल्कुल फोटो एक्शन, नो, पिगमेंट एक्शन, क्लोरोफिल प्रोसेस, नहीं। जो बच्चों लाइट रिएक्शन होती है उस लाइट रिएक्शन का एक नाम और भी होता है, इसको हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हिल रिएक्शन, क्योंकि बच्चों रॉबर्ट हिल जो है उसने इसके बारे में बताया था। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइटोकाइनिन आर नोन टू, साइटोकाइनिन जाने जाते हैं इनहिबिट साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, हेल्प इन रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल, इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, या प्रमोट एब्सिसिन लेयर फॉर्मेशन। बच्चों याद रखना, साइटोकाइनिन जो है वो आप कह सकते हैं जो क्लोरोफिल है इसका पुनर्निर्माण करते हैं। साइटोकाइनिन बच्चों एक ऐसा हार्मोन है जिसके कारण क्लोरोफिल का निर्माण बढ़ जाता है, और बच्चों क्लोरोफिल का निर्माण बढ़ने से अपन कह सकते हैं प्लांट में फूड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ शोइंग इंक्रीज इन वॉल्यूम विदाउट इंक्रीज इन वेट, सीडलिंग ग्रोथ, फ्रूटिंग, पोलन जर्मिनेशन। आंसर बच्चों यहाँ पोलन जर्मिनेशन है, क्यों है? क्योंकि जब एक पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो बच्चों ये यहाँ पे स्टिग्मा हो गई, पोलन ग्रेन तो बच्चों वहीं पे रहेगा, उसका वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है, हाँ जो पोलन ट्यूब है वो बच्चों यहाँ पे बढ़ती रहती है। तो देखो पोलन ग्रेन का जो बच्चों वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। आगे देखिए 77, हाउ मेनी केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बच्चों एक ग्लूकोज के लिए 6 बार केल्विन साइकिल होता है, तो 5 ग्लूकोज के लिए 30 क्या हो जाएंगे, केल्विन साइकिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्ट स्टेट मैच, साइटोकाइनिन ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। बिल्कुल सही है बच्चों, साइटोकाइनिन जो है वो लेटरल डोमिनेंस को बढ़ाता है, एपिकल डोमिनेंस को कम करता है। एब्सिसिक एसिड सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी। बिल्कुल बच्चों इनसे रिलेटेड है ये। इथाइलिन क्या करता है, रूट हेयर जो है उसके फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं सारे के सारे क्या है, मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। मतलब जो पेपकेज है और जो रुबिस्को है, दोनों का बच्चों एक्टिवेटर कौन है, ये अपने को पता है मैग्नीशियम प्लस टू होता है। क्वेश्चन नंबर 80, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस। जो बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको हम किससे शो करते हैं, ये बच्चों फॉर्मूला है W1 बराबर W0 e की पावर RT। बच्चों एक फॉर्मूला होता है LT बराबर L0 RT। ये अपने पास में कौन सा है, ये बच्चों अपने पास में है एरिथमेटिक ग्रोथ का। लेकिन जो बच्चों अपने पास में ये
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसका बच्चों फॉर्मूला कौन सा होता है, डब्ल्यू वन बराबर डब्ल्यू जीरो e की पावर आर टी। नेक्स्ट, इन सी फोर प्लांट सुगर इज सिंथेसाइज्ड इन, बच्चों सी फोर प्लांट में चलता है हैच एंड स्लैग साइकिल, जहां सुगर का फॉर्मेशन होता है वहां पे, जहां रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, और बच्चों रूबिस्को एंजाइम कहां पाया जाता है, बंडल सीट में। तो हैच एंड स्लैग साइकिल लीफ मेजोफिल, नो, केल्विन साइकिल ऑफ लीफ मेजोफिल, हैच एंड स्लैग साइकिल ऑफ बंडल सीट सेल, या केल्विन साइकिल ऑफ बंडल सीट। बिल्कुल, यहां पर बच्चों क्या होता है, बंडल सीट सेल के अंदर चलता है सी थ्री साइकिल, और बच्चों बंडल सीट सेल के अंदर जो सी थ्री साइकिल चलता है, आप कह सकते हैं बच्चों उसमें फॉर्मेशन किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। नेक्स्ट, 82, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट इज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड इन, बच्चों लाइट का रोल किसमें नहीं है, कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी, ये तो लाइट रिएक्शन है, इसमें होती है, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू एनएडीपीएच, लाइट रिएक्शन इसमें होती है, द फॉर्मेशन ऑफ 3PGA फ्रॉम CO2 टू RBP, ये बच्चों डायरेक्ट रिएक्शन है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लाइट रिएक्शन है। तो बच्चों लाइट का डायरेक्टली रिक्वायरमेंट किसमें नहीं होती है, डायरेक्ट रिएक्शन में, और डायरेक्ट रिएक्शन यहां पे कौन सी है, थर्ड ऑप्शन है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, बच्चों 6CO2 है, और यहां पे आप कह सकते हैं ग्लूकोज का बच्चों फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर आपको यहां पर ए और बी बताना है। तो बच्चों 6CO2 के फिक्सेशन के लिए केल्विन साइकिल अगर होता है, तो 1CO2 के फिक्सेशन के लिए 3 ATP एंड 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 6CO2 के लिए 18 ATP एंड 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों यहां पे एक जगह क्या आ जाएगा, 18 ATP, और बच्चों 18 ATP से क्या बन जाएगा, 18 ATP से 18 ADP हो जाएगा। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि 18 ATP का यूज होगा केल्विन साइकिल के अंदर। 84 नंबर क्वेश्चन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैरिड आउट बाय ऑलवेज पीएस सेकंड इन लाइट रिएक्शन बिकॉज, जो बच्चों पीएस सेकंड है उसी से रिलेशन क्यों होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का, लो रेडॉक्स पोटेंशियल कंपेयर टू पीएस फर्स्ट। देखो बच्चों, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में पीएस सेकंड से कुछ ऊपर होता है पीएस फर्स्ट, रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करें तो बच्चों अपन यहां कह सकते हैं कि पीएस सेकंड का जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो बच्चों क्या कह सकते हैं, पीएस फर्स्ट के कंपैरिजन में, अगर आप कंडीशन देखें 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों यहां पर जो कंडीशन है वो अपने पास में आती है कि जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो बच्चों पीएस सेकंड का क्या होता है, कुछ कम होता है। हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, नो, बिकम हाईली ऑक्सीडाइज एजेंट, बिल्कुल, ये बच्चों क्या करता है, पीएस सेकंड इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है बच्चों हम कह सकते हैं वो क्या हो गया, वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज एजेंट हो गया। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि लाइट रिएक्शन के अंदर हम जो कैरियर बनाते हैं वो कैरियर रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर बनते हैं। जैसे मान लो पीएस फर्स्ट के ऊपर फेरेडोक्सिन आता है, तो फेरेडोक्सिन हम ऊपर बनाते हैं क्योंकि उसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, तभी तो क्या होता है, अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल होता है। चार्ल्स डार्विन डिस्कवर्ड ऑक्सीजन व्हाइल वर्किंग ऑन, बच्चों डार्विन ने किस पे वर्क किया था, कैनरी ग्रास पे वर्क किया था। इसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस इन बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल इज दैट, C3 एंड C4 साइकिल में बच्चों क्या डिफरेंस है, देखते हैं। इन C3 साइकिल RUBP व्हाइल इन C4 साइकिल PEP इज एक्सेप्टर ऑफ CO2, ठीक है। C3 साइकिल कंप्लीटेड इन मेसोफिल टिश्यू व्हाइल C4 साइकिल कंप्लीटेड इन बंडल शीट एंड मेसोफिल टिश्यू, ठीक है। इन C3 साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन इज नॉट टेक प्लेस, बिल्कुल, व्हाइल C4 साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन इज प्रेजेंट, बच्चों C3 साइकिल में CO2 का एडिशन होता है, CO2 कभी बाहर नहीं निकलती C3 के अंदर, लेकिन C4 साइकिल के अंदर, याद करो, बंडल शीट सेल में
जब आप कह सकते हैं मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड बनता है, तो बच्चों CO2 बाहर निकलती है जो कि फिर C3 में एंटर होती है। तो अपन कह सकते हैं बच्चों यहां पर सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिविजन अंडर सर्टेन कंडीशन। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एंड, बच्चों पहले डिविजन नहीं करती थी लेकिन अब डिविजन करना शुरू कर देती है, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन। बच्चों फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद में पेरोक्सिसोम, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों का रोल होता है। तो बच्चों आंसर क्या हो गया इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, आंसर थर्ड ऑप्शन। 89, फाइंड द ओड वन बच्चों, मेज एक C4 प्लांट है, सुगर केन C4 प्लांट है, वीट C3 प्लांट है, सोरगम C4 प्लांट है, तो बच्चों यहां पे ओड कौन हो गया, C3 प्लांट मेज। 90 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट। बच्चों 2,4-D ये ऑक्सिन है, लेकिन ये बच्चों आर्टिफिशियल ऑक्सिन है जो हम लोग लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, ये प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता। जबकि साइटोकाइनिन, इंडोल एसिटिक एसिड और जिब्रेलिन, ये बच्चों नेचुरल है, ये प्लांट में मिलते हैं। नेक्स्ट, सीजन विच कैम्बियम शो मैक्सिमम एक्टिविटी। बच्चों कैम्बियम जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव कब होती है, कैम्बियम ज्यादा डिवीजन कब करती है, जब बच्चों टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो, ये कौन सी कंडीशन में आती है, स्प्रिंग कंडीशन में, आंसर यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। 92, विच इज ए ट्रू स्टेटमेंट फॉर वर्नलाइजेशन, इट्स इफेक्ट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये बच्चों गलत है, वर्नलाइजेशन के बाद में डी वर्नलाइजेशन भी किया जा सकता है, अगर आप उस सीड को वापस से हाई टेम्परेचर दे दो तो जो बच्चों इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन था वो खत्म हो सकता है। स्टिमुलस इज प्रिजर्व्ड बाय लीव्स, नो जरूरी नहीं है, जो बच्चों सीड है हम उसको टेम्परेचर देते हैं, हम सीड को रखते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, तो उस समय लीव्स कहां से आ गई, इट इंड्यूस ए प्लांट टू फ्लावर डायरेक्टली, यह पादप को पुष्पन हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। इट्स ए नेचुरल फिनोमिना ऑफ टेम्परेट एरिया, जो बच्चों अपने पास में टेम्परेट एरिया है उसका ये नेचुरल फिनोमिना है, जरा गौर से बच्चों यहां पर देखना। 92 नंबर के अंदर इस सिचुएशन में जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ है, थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इट इंड्यूस ए प्लांट टू फ्लोर, जो वर्नलाइजेशन होता है उसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट की वेजिटेटिव फेज है जिसमें रूट स्टेम लीफ आते हैं वो छोटी हो जाती है, फिर फ्लोरिंग जल्दी हो जाती है, तो बच्चों यहाँ पे फ्लोरिंग जो है हम उसको प्रभावित करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते, हम करते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चों हमने तो जो वेजिटेटिव फेज है उसको छोटा किया है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, टेम्परेट एरिया जो है बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं लो टेम्परेचर है, और जो लो टेम्परेचर है उससे बच्चों क्या होता है, वर्नलाइजेशन होता है। 93 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो बिटवीन पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड व्हेन टू पिगमेंट सिस्टम एब्जॉर्ब लाइट। जब दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करे तो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन होती है, एंड नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले पीएस सेकंड के पास में फिर पीएस फर्स्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग केल्विन साइकिल द टोटल नंबर ऑफ CO2 ATP एंड NADPH2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड एंड ग्लूकोज ADP एंड NADP जनरेटेड इज। बच्चों केल्विन साइकिल के अंदर कितने CO2 काम आते हैं, एक CO2 काम आता है, तो ATP, अच्छा ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, तो बच्चों एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए 6 बार केल्विन साइकिल होगा, तो यहां पे 6 CO2 काम आती है, आप कह सकते हैं 18
एटीपी का यूज होता है, एनएडीपीएच2, 12 जो एनएडीपीएच2 है उनका यूज होता है, एंड वन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। एंड एडीपी कितनी बन जाती है, 18 एटीपी काम आ गई, तो 18 एडीपी का फॉर्मेशन होगा। एनएडीपी कितनी बन जाती है, 12 एनएडीपीएच2 काम आए, तो 12 एनएडीपी जो है वो बन जाता है। टोटल बच्चों कितने हो गए यहां पर, ये 67। ठीक है, आंसर यहां पे फोर्थ ऑप्शन है। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन था 95, कौन सा रॉन्गली मैच है, पीईपी कार्बोक्सिलेज मिजोफिल में होता है, बिल्कुल सही है। ब्लैकमैन ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, बिल्कुल सही है। सोरगम में क्रेंज एनाटॉमी है, बिल्कुल सही है। पीएस फर्स्ट जो है उसको बच्चों P680 नहीं बोलते, उसका रिएक्शन सेंटर P700 कहलाता है। तो बच्चों यहां पे आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये बच्चों यहां पे स्टेटमेंट तो सारे सही है, ये गलत है, गलत आपको पूछा है। नेक्स्ट 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वर्नलाइजेशन, वसंतीकरण के बारे में कितने कथन सही है। हेल्पफुल टू कन्वर्ट बाइनल प्लांट इनटू एनुअल प्लांट, द्विवर्षीय पादपों को एक वर्षीय पादप में बदलने मददगार है, बिल्कुल सही है। बच्चों पहले जहां दो सीजन में पादप उगता था, अब आपने क्या किया, जो वेजिटेटिव फेज है उसको छोटा कर दिया, जिससे अब वो प्लांट एक ही सीजन के अंदर उग जाएगा। मतलब बच्चों ये क्या हो गया, द्विवर्षीय से एक वर्षीय हो गया, बाइनियल से एनुअल हो गया। इट हैजन फ्लोरिंग बाय ए कोल्ड ट्रीटमेंट, यहां कम तापमान के उपचार द्वारा पुष्पन में बढ़ोतरी करते हैं, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट अकर इन ड्राई सीड, ये ड्राई सीड में नहीं होता, बिल्कुल सही है। इट हेल्प इन शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव पीरियड ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही है। ये बच्चों पादप में जो काईक काल है, जो वेजिटेटिव फेज है उसको छोटा कर देता है, जहां रूट स्टेम और लीफ 3 महीनों में बनती थी, अब बच्चों ये 1 महीने के अंदर ही बन जाएगी, समझ रहे। ये बच्चों अपने सामने कंडीशन है, तो यहां पे आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन, सारी सही है। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन विच इज लाइकली टू इंड्यूस शूट डिफरेंशिएशन इन टबेको कैलस। बच्चों शूट का फॉर्मेशन करना है, ऑक्सिन करता है मेनली रूट का फॉर्मेशन, और साइटोकाइनिन करता है मेनली शूट का फॉर्मेशन। तो बच्चों हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, क्यों, क्योंकि बच्चों ऑक्सिन जो है वो मेनली रूट का फॉर्मेशन करेगा और साइटोकाइनिन जो है वो शूट का फॉर्मेशन करेगा। अगर आपको शूट का फॉर्मेशन करना है तो साइटोकाइनिन को ज्यादा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवेंट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, बिल्कुल सही है। ओनली वन फोटोसिस्टम पार्टिसिपेट, ये बच्चों गलत है। नॉन साइक्लिक के अंदर पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों उपयोग में आते हैं। एटीपी और एनएडीपीएच2 आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ये बच्चों यहां पर एक फोटोसिस्टम का आपके पास डायग्राम है, तो देखो बच्चों यहां पर अगर आप कंडीशन देखो, ए क्या है, ए बच्चों यहां पे एंटीना पिगमेंट है, बी कौन है, बी बच्चों ऐसे पिगमेंट जो रिएक्शन सेंटर को टच करे उनको बोलते हम लोग कोर पिगमेंट, सी बच्चों यहां पे क्या है, रिएक्शन सेंटर है, और जो डी है वो बच्चों इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर है। तो ए तो क्या हो गया, एंटीना हो गया, बी बच्चों क्या है, कोर है, सी है P700, और जो डी है ये बच्चों यहां पे हो गया आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको इसमें आएगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच कंडीशन, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस दिस प्लांट, एक बच्चों प्लांट है, अगर इसको 12 घंटे तक कंटिन्यू अंधेरा दिया गया तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अगर आप इसको अंधेरा जो है वो 12 घंटे में इंटरप्ट कर दो, रात को अगर आपने इसको हल्का सा प्रकाश दे दिया तो फ्लोरिंग नहीं हुई, इसका मतलब इस प्लांट को रात चाहिए होती है, इसको अंधकार चाहिए होता है,
अर्थात ये बच्चों शॉर्ट डे प्लांट है, इसके लिए जो दिन है वो शॉर्ट होना चाहिए, प्रकाश कम आना चाहिए। अगर रात को ही प्रकाश आ गया तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो देखो बच्चों जेड स्कीम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है पहले पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, ये बच्चों यहाँ पे अपहिल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ईटीएस में आ गया, तो बच्चों बी यहाँ पे क्या हो गया, डाउनहिल हो गया। फिर पीएस फर्स्ट से चला गया वापस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, ये बच्चों फिर से क्या हो गया, अपहिल, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एनएडीपी में, ये बच्चों यहाँ पे है डाउनहिल। तो अपहिल डाउनहिल अपहिल डाउनहिल, बच्चों इस तरीके से हम इसको शो करते हैं डायग्राम के अंदर। तो पहले कहाँ चला गया, पीएस सेकंड से आप कह सकते हैं फियोफाइटिन में, फिर वहां से पीएस फर्स्ट में, फिर वहां से फेरेडोक्सिन में, फिर बच्चों वहां से एनएडीपी में आ गया। तो अपहिल डाउनहिल अपहिल डाउनहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। पीएस फर्स्ट इज इन्वॉल्व्ड इन नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ओनली। ये बच्चों गलत हो गया, क्योंकि जो पीएस फर्स्ट है वो नॉन साइक्लिक के साथ साथ जो साइक्लिक है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होगा। पीएस सेकंड इन इन्वॉल्व्ड इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नहीं बच्चों, नॉन साइक्लिक में पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ पीएस फर्स्ट काम आता है। स्ट्रोमा लेमिली मेम्ब्रेन पजेस पीएस फर्स्ट ओनली, वेयर्स ग्रेना लेमिली पजेस बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। देखें अगर बच्चों आप कंडीशन देखें तो स्ट्रोमा लेमिली जो है उसमें पीएस फर्स्ट सिर्फ होता है, जबकि जो ग्रेना है उसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों है। तो बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बच्चों बिल्कुल यहां पे क्या है, करेक्ट है। आंसर थर्ड ऑप्शन यहां पे हो गया। कैसे, जो बच्चों ग्रेना होता है इस तरीके से, ग्रेना में पीएस फर्स्ट भी होता है पीएस सेकंड भी होता है, लेकिन जो बच्चों स्ट्रोमा लेमिली होती है इस स्ट्रोमा लेमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पीएस फर्स्ट पाया जाता है। तो यहां पर जो बच्चों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 102 में वो हम क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर 3 मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहां पे है, गिवन डायग्राम is showing growth of two leaves of the same time if absolute growth is AG and relative growth rate is RGR, then choose the correct option। बच्चों सबसे पहले आपको इसका AG निकालना है। Absolute growth क्या होती है, final minus initial, final minus initial। पहले बच्चों 10 था तो 10 में से 5 चला गया, कितना आ गया आप कह सकते हैं यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे जो absolute growth है वो बच्चों कितनी आ गई, 5 आ गई। एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकालते हैं, फाइनल स्टेटस माइनस इनिशियल स्टेटस। ये लीफ पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, फिर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 5, यहाँ पे 5 आ गया। रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ ए, ये कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो 10 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100, तो बच्चों कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, इसकी निकालते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। बच्चों पहले 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, फिर 55 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकालोगे, 55 माइनस 50, बच्चों कितना आ गया, 5 का है। रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकालोगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल कितना है, 55 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, कितना आ गया बच्चों, 0.1 इंटू 100। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कितना आ गया, 10% आ गया। आंसर यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 104, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। बच्चों लाइट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर जेंथोफिल। नहीं, लाइट रिएक्शन में दो चीज बनती है, एक तो एनर्जी और एक ऑक्सीजन। एनर्जी एटीपी होती है और एनएडीपीएच2 होती है। तो बच्चों पिगमेंट का फॉर्मेशन कभी नहीं हुआ करता है, एटीपी एनएडीपीएच2 एंड ऑक्सीजन। आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। 105,
सीड जर्मिनेशन इज द स्प्राउटिंग ऑफ ए सीड एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड द सीड इनटू ए सीडलिंग और यंग प्लांट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रिफर द गिवन फिगर शोइंग सीड जर्मिनेशन एंड मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। बीजांकुरण बीज का प्रस्फुटन तथा इसमें उपस्थित भ्रूण की वृद्धि है जो एक तरुण पादप में विकसित होने हेतु स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। दिया गया चित्र जो बीजांकुरण को प्रदर्शित करता है संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ बच्चों आपको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो छाटना है, जरा देखिएगा। कोटिलिडंस आर ब्रॉट आउट ऑफ द सोइल बाय द ग्रेटर ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। बिल्कुल देखो बच्चों यहाँ पे जो बीज पत्र है वो जमीन से ऊपर आ गए क्योंकि जो हाइपोकोटाइल है इस तरीके से ये बच्चों यहाँ पे एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है, ये यहाँ पे कोटिलिडन है। जब हाइपोकोटाइल बच्चों ग्रोथ करता है तो देखो ये जो कोटिलिडन है वो ऊपर आ जाएंगे। कोटिलिडन्स बिकम ग्रीन एंड फंक्शनल एज फर्स्ट लीव्स ऑफ द सीडलिंग। बिल्कुल सही है, जो बच्चों कोटिलिडन है वो देखो ऊपर आ गए हैं और बच्चों फोटोसिंथेसिस की तरह आप ये कह सकते हैं लीफ की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। द हाइपोकोटाइल डज नॉट इलोंगिनेट मच इंस्टेड द एपिकोटाइल ग्रो एंड टेक द प्लूमूल अबाउट द सोइल। ये बच्चों यहाँ गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो जो हाइपोकोटाइल है वो ग्रोथ करता है तब ये कंडीशन आती है। देखिए बच्चों हाइपोकोटाइल ने ग्रोथ की है तभी तो दोनों कोटिलिडन ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन जो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है वो इसका अपोज कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पे थर्ड ही गलत है, ये इसका आंसर हो गया। दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन इज फाउंड इन सीड ऑफ बीन्स। बिल्कुल सही है। 106 वन हॉर्मोन इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन बार्ले, एनोदर इज यूज टू प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएपल, एंड वाइल द थर्ड हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, दीज आर रेस्पेक्टिव। बच्चों माल्टिंग प्रोसेस के लिए हम जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं पाइनएपल में फ्लोरिंग के लिए ऑक्सिन का यूज करते हैं, एंड लीफ सेनेसेंस को डिले करना रिचमंड लैंग इफेक्ट साइटोकाइनिन करता है जिससे बच्चों पत्तियों का जो झड़ना है वो रुक जाता है। 107 बच्चों अपने को यहां मैचिंग करनी है, ऑक्सिन है तो देखो बच्चों ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ब्रेक ऑन करता है आप कह सकते हैं जिब्रेलिक एसिड करता है। इंड्यूस फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाता कौन है, इथाइलिन पकाता है। फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिन लेयर, विलगन परत कौन बनाता है, ये बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब एब्सिसिन परत है, जरा ध्यान चाहूंगा मैं आपको, एक बच्चों यहाँ पे और है रूट इनिशिएशन, ये कौन करता है, ऑक्सिन करता है। क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस, ये बच्चों साइटोकाइनिन करता है। फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिन लेयर, ये बच्चों एब्सिसिक एसिड बनाता है जो कि यहाँ पे है नहीं, तो ए में क्या आ गया 4, बच्चों बी में क्या आ गया फर्स्ट, सी में क्या आ गया 5, और बच्चों डी में क्या आ गया 2, आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया। 108 ये बच्चों यहाँ पे है रेस्पिरेटरी कोशेंट कैन वेरी। बच्चों रेस्पिरेटरी कोशेंट जो आर क्यू की वैल्यू है वो डिपेंड करती है रेस्पिरेटरी सबस्टेट पर। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो आर क्यू 1 होता है, प्रोटीन है, फैट है तो लेस देन 1 होता है, ऑर्गेनिक एसिड है तो मोर देन 1 है। तो देखो बच्चों हम कह सकते हैं कि आर क्यू की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है, रेस्पिरेटरी सबस्टेट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेट ऑफ ग्रोथ इज कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ ग्रोथ इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में रेट कॉन्स्टेंट है नहीं, अगर कॉन्स्टेंट होती तो ग्राफ सिग्मोइड नहीं आता। बच्चों लेग फेज में ग्रोथ स्लो होती है, लॉग फेज में फास्ट होती है, स्टेशनरी फेज में कॉन्स्टेंट होती है। द ग्रोथ ऑफ द लीफ इज मेजर्ड बाय द टर्म ऑफ सरफेस एरिया। बिल्कुल सही है। फास्टेस्ट फेज ऑफ एस फेज इस लेग फेज, नहीं बच्चों फास्टेस्ट फेज तो लॉग फेज होती है। ए सेल इन वाटरमेलन कैन इंक्रीज द साइज अप टू 70,000 टाइम्स, नो बल्कि 350,000 होता है। तो बच्चों यहां पे सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 110
डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप्स इन प्लांट्स इन डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ और इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट दिस एबिलिटी इज कॉल्ड. बच्चों अपनी स्ट्रक्चर को बदलता प्लांट जो है उसमें कई बार स्ट्रक्चर बदल जाती है. वो स्ट्रक्चर चाहे तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कारण बदले या फिर उसमें जो जीन्स है उनके कारण बदले. इसको बोलते प्लास्टिसिटी, जिसमें क्या होता है प्लांट की जो स्ट्रक्चर है वो बदलती रहती है. नेक्स्ट, द नेट रिक्वायरमेंट ऑफ एसिमिलेटरी पावर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स हेक्सोज. बच्चों सिक्स हेक्सोज की बात कर रहा है, मतलब आपको सिक्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है. मेज प्लांट, बच्चों मेज प्लांट सी फोर प्लांट है और एक बार सी फोर साइकिल में याद करो बच्चों दो तो NADH2 और इसमें पांच ATP की रिक्वायरमेंट हुआ करती है. अगर आपको एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो एक ग्लूकोज के लिए छह बार सी फोर साइकिल होगा तो बच्चों इसमें 12 NADH2 एंड 30 ATP की रिक्वायरमेंट है एक ग्लूकोज के लिए. ये है छह ग्लूकोज के लिए कितना होगा 72 NADH2 एंड 180 ATP. कैसे किया, छह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, रेस्पिरेशन इज सीन इन. बच्चों रेस्पिरेशन किसमें होता है, नॉन ग्रीन सेल ओनली. गलत बात बच्चों, रेस्पिरेशन हर उस सेल में है जो लिविंग है. नॉन ग्रीन ऑल लिविंग सेल्स बोथ ड्यूरिंग एंड नाइट, ऑल सेल्स एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक सेल ड्यूरिंग. ना जो बच्चों फोटोसिंथेसिस है वो हर सेल में होता है, चाहे तो दिन हो चाहे रात हो. जो बच्चों यहां पे रेस्पिरेशन है वो तो सबके अंदर ही होता है. रेडियो एक्टिव C14 इज गिवन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज टू एटमोस्फियर. दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाई RUBP ऑफ C3 प्लांट. द फर्स्ट रेडियो एक्टिव C14 इज सीन विच कंपाउंड. बच्चों C3 साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो होता है फॉस्फोग्लिसरेड. अगर आपने यहाँ पे CO2 जो है उसमें कार्बन में 14 कर दिया तो 3PGA जो है बच्चों वहां भी कार्बन में 14 आएगा. तो याद रखना C3 साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3PGA है. ठीक है, आपको याद होगा इस तरीके से RUBP रिएक्शन किससे करता है, CO2 से. फॉर्मेशन किसका होगा, PGA का. बच्चों आपने अगर यहाँ पे C14 कर दिया तो अब C14 किस में आ जाएगा, 3PGA के अंदर आ जाएगा. 114, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नो, एरोबिक रेस्पिरेशन यस, फर्मेंटेशन में नहीं होता. बच्चों याद रखना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, न कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, न कि फर्मेंटेशन का. यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स रिफर यस हाइड्रोपोनिक्स रिफर टू ग्रोइंग प्लांट्स इन. हाइड्रोपोनिक्स में बढ़ते हुए पादपों के लिए संदर्भित है. बच्चों हायात्रो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, कोई भी जो प्लांट है उस प्लांट को बिना सोइल के मिनरल न्यूट्रिएंट वाले मीडियम में ग्रो करना, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स. एक ऐसा मीडियम जहां वाटर प्रेजेंट है और मिनरल्स प्रेजेंट है, बच्चों उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स को डालते हैं. टिश्यू कल्चर मीडियम नहीं होगा, क्योंकि बच्चों टिश्यू कल्चर मीडियम में तो हम हार्मोन भी काम में लेते हैं, जबकि यहाँ पे हम हार्मोन को काम में नहीं भी ले सकते. आंसर थर्ड ऑप्शन. 116, केमीओस्मोसिस रिलेटेड विद रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ETS डज नॉट रिक्वायर. केमीओस्मोटिक थ्योरी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बच्चों NCERT की लाइन है, मेम्ब्रेन की जरूरत है, प्रोटोन की जरूरत है, प्रोटोन ग्रेडियंट की जरूरत है, ATPase की जरूरत है, ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि केमीओस्मोटिक थ्योरी में तो ATP का फॉर्मेशन होता है, न कि इसके लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है. तो ATP कोई इसका सबस्टेट नहीं है, इसका प्रोडक्ट है. तो केमीओस्मोसिस के लिए बच्चों ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो ADP है हाँ उसकी जरूर होती है. तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट इसमें है नेचुरल ग्रोथ हार्मोन. बिल्कुल देखिए बच्चों,
नेचुरल ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? एन ए ए इथाइलिन 2,4-5-T 2,4-D। बच्चों इथाइलिन जो है, अगर आप कंडीशन देखें तो इथाइलिन आपके पास में एक नेचुरल ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। बाकी सारे बच्चों यहाँ पे क्या है, अपन कह सकते हैं आर्टिफिशियल है। याद रखना बच्चों, इथाइलिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, ग्रोथ इनहिबिटर है। लेकिन पहले बच्चों है तो हार्मोन ही, लेकिन है तो क्या बच्चों, हार्मोन ही। तो आंसर यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, क्लोरोफिल ए एंड बी एसेंशियली कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। चाहे तो बच्चों क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, दोनों के अंदर ही जो सेंटर एटम है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। आंसर सेकंड। 119, ड्यूरिंग वन अमोनिया मॉलिक्यूल प्रोडक्शन हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड इन N2 फिक्सेशन। बच्चों अमोनिया के फॉर्मेशन में याद करो एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन के लिए 8 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। 120, मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोइल। ऐसा कौन सा मैक्रो एलिमेंट है जो सभी कार्बनिक पदार्थों का घटक होता है लेकिन मृदा के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, ये कौन सा है? नाइट्रोजन, ये तो बच्चों प्लांट सोइल से लेता है। फॉस्फोरस सोइल से आता है, मैग्नीशियम सोइल से आता है, कार्बन बच्चों इसका आंसर है। हर ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर कार्बन होता है और प्लांट इसको सोइल से नहीं लेता, ये बच्चों नॉन मिनरल है। ये क्या है? नॉन मिनरल। और जो नॉन मिनरल है इसे प्लांट सोइल से नहीं लेता। इसका बच्चों एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आंसर बच्चों क्या हो गया इसका? कार्बन हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स, हमने DTS के 120 क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन किया। क्वेश्चन जो बच्चों मैंने दिए हैं, मैंने पूरी कोशिश की है आप अच्छे से उनको समझे, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग हो, क्योंकि बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सारा खेल कॉन्सेप्ट्स का है। थैंक यू।